मैं चार मीनार हूँ, हिंदुस्तान की आन और शहर दकन हैदराबाद की शान हूँ। दुनिया भर में अदब और अखलाक, मेहमान नवाजी, गंगा जमनी तहजीब, कौमी यकजहती की अपनी मिसाल आप हूँ। गुजरे वक्त में मैंने कई अच्छाइयों और बुराइयों को देखा है, लेकिन एक अरसे से मैं कुछ नासूर मसलों से बेहद परेशान हूँ, जैसा कि मिट्टी का कारोबार और गैर इस्लामी रस्म रिवाज, जोड़े घोड़े की रकम और जहस जैसे कई बेहिसाब मसले मुझे ही नहीं बल्कि सारी कौम को परेशानी में डाल दिया है। अल्लाह खैर करे, आमीन सुम्मा आमीन। हेलो शेख भाई, क्या हुआ रे भाई? संभालो और इनसे निपटो। क्या रे, डर नहीं लग रहा क्या? देख हमारे कितने आदमी है। तीर सेना तलवार से हैदर डरता है सिर्फ परवरदिगार से। मैं अकेला ही तुम लोगों के लिए काफी हूँ, इन चार की जरूरत नहीं है, समझा? तुम कहीं को उछलने जाने मन, हैदर औरतों से नहीं लड़ता। चल। तेरी तो, मैं बोला ना औरतों से नहीं लड़ता, समझी? चल। टेरों के सरदार, आइए आइए, वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका। अरे छोड़ दो ना साहब, आजकल अपना मामूल है ना, हमारे पोट्टे वकील को लेके आ रहे साहब। अरे क्या साहब, आजकल वकीलों को भी सुलोट मारने का जियो पास हुआ क्या? क्या साहब कुछ बोल रहे नहीं? अम्मा, अरे अम्मा। इमरा, तेरा हाथ बहुत तगड़ा है बोल के सुना, ला दिखा। मोइन सर, इन लोगों के पुराने पूरे केसेस ओपन करो। ओके सर। और नए 10 लगा दो। ठीक है सर। समझे ना? चल डाल दो अंदर। आदाब साहब। आदाब। मैं आपकी जितनी भी तारीफ सुना, आप उससे भी ज्यादा तारीफ के काबिल है साहब। मैं हैदर, हैदर हैदराबादी। ऑटो चलाना तुम्हारा पेशा है और लोगों का खिदमत करना तुम्हारा शौक, मालूम है साहब। ये उसकी चेन। मोइन सर, अब बाकी की कार्रवाई आपके हाथ में है। डोंट वरी, वी विल टेक केयर। खुदा हाफिज। जी या अल्लाह, ये कैसा फैसला है तेरा? तू ही रंगीन ख्वाब दिखाता है और बाद में चकनाचूर भी कर देता है।
मैं क्या करूं? मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो माजूस? हाँ हाँ, हम अभी दुबई पहुंचा है। क्या आज शेख चिल्ली के पास जश्न का दावत है? ठीक है बाबा, हम शिरकत करने का पूरा कोशिश करेगा। वैसे कहाँ है हमारा हरदिल अजीज लख्त जिगर शेख चिल्ली? माजूस, तुम लोग ऑफिस में हो ना?
हम अभी पहुंच रहा है। दुबई ऑयल कॉर्पोरेशन 500 करोड़ वल्ला। मस्कट रियल एस्टेट 15,000 डीलर्स मगरूब। ये है ना, ये 25 करोड़ डॉलर्स। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम अल सबा। कहां गए थे यार? वालेकुम सलाम। कैफ हाला? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। कहां चले गए थे मेरे दोस्त? मैं बहुत मसरूफ था, हिंदुस्तान जाके आया। तुम्हारा याद आया तो मिलने को चला आया। ये क्या तुम्हारे दुख्तर ने एक तेरे की? ला हौला वला कुव्वत। ये हमारा दुख्तर नहीं है, ये हमारा चौथा बीवी है, हिंदुस्तान से करके लाया है। ये तुम्हारे शरीक हयात है? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, चश्मे बदूर दोशीजा। इसमें हैरत के क्या बात है, हिंदुस्तान में तो एक से एक हूर परी है। क्या? हाँ, अगर तुम कहो तो हम तुम्हारे लिए हिंदुस्तान से यहाँ तक लाइन लगा देगा। अच्छा शेख, तुम सोचते रहो, हम अपना वक्त बर्बाद नहीं करेगा, हम कल फिर आएगा। खुदा हाफिज, चलो आमिरा। अच्छा शेख जी, अच्छा शेख, हम भी चलते हैं। खुदा हाफिज। अरे कहाँ जा रहे आजूस माजूस? डरो भाई डरो। क्या करेंगे शेख, ऐसे जिंदगी से मरना बेहतर है। हाँ, तुम्हें हमारा शेख है ना, बहुत शर्म आती है। ये क्या तो भी हो गया यार आजूस माजूस? अभी तुम्हारी दिमाग की बत्ती नहीं चली शेख जी? ऐसे लंबी लंबी चोर रहा था उन क्या, उसका वकात क्या? गिल्ली डंडे की गिल्ली मुकाबले में शेख चिल्ली, वो भी आपसे मुकाबला। अरे बात क्या है, बोलो ना। काली काली क्या बोलो ना, तुमको क्या प्रॉब्लम है, बोलो ना। बात साफ है शेख, उस गिल्ली के पास कुछ नहीं शेख जी, उसके बावजूद चार चार बीबियां, तुम्हारा बस एक ही है, वो भी चारों भी मुकाबले में। एक ही बीबी है शेख जी आपको। अब मैं क्या करूँ, तुम लोग बोलो ना यार, तुम लोग मेरे भाई लोग हैं आजूस माजूस। अभी एक ही जवाब है शेख, आप हिंदुस्तान जाना, एक और शादी करना। शादी? हाँ। और हम करेगा? ठीक है, तुम लोग के लिए मैं शादी करूँगा। लेकिन शेख जी, ऐसा ड्रेस नहीं चलेगा। मतलब फिर कौन सा लिबास पहनना है हम? एक मिनट, अजूस माजूस, मेरा लिबास कैसा है बोलो? कैसा है मियां? अच्छा नहीं। अच्छा नहीं? अच्छा नहीं शेख, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा पलटाओ शेख। शेख कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक मिनट। कैसा मियां? नहीं शेख, ये पुराना जमाना का है, नहीं चलता शेख। ऐसा क्या करना शेख? कुछ तो बोलो यार, कुछ बोलो। एक मिनट, अजूस माजूस, ये कैसा इंडियन लिबास, अब तो बोलो, कुछ तो बोलो। अरे क्या है शेख, ऐसा कल्चर नहीं चलता शेख। एक मिनट, अजूस माजूस। अरे शेख, ये तो कल्चरलेस बस है शेख, ये तो बस नहीं चलता, हम लोग हिंदुस्तान जाने के, वहाँ के लोग ऐसा मार के भगा देते हैं। ट्रेनिंग ले लेंगे भाई साहब। भाई साहब। हाँ भाई। फराशा होटल किधर है? फराशा होटल चांद मीनार के पास है। चांद मीनार किधर है? फराशा चांद मीनार के पास है। फराशा किधर है? थोड़ा देखो हकीम साहब। चांद मीनार नहीं मालूम तेरे को? नहीं मालूम, नहीं आया है। हाँ। अरे इधर आ। हाँ आ रहा हूँ। आ बैठ। क्या देख रहे? अरे तेरे आँख वाइट हो गए ना रे। ऐसा? हाँ। कहाँ से दिखता चांद मीनार? नहीं दिखता। नहीं दिखता? चार मीनार पीला है। चार मीनार पीला है? हाँ, तेरे आँखा भी पीले होना। ऐसा? कई को बोले तो तेरा सिस्टम खराब हो गया, पहले तेरा सिस्टम अच्छा करना। क्या सिस्टम अच्छा कर रहे, क्या है सिस्टम? नहीं मालूम तेरे को? नहीं मालूम। अब सिस्टम बोले तो देख, अगर सिस्टम खराब हो गया तो पूरे हुकूमत खराब हो जाते। हुकूमत बोले तो? अरे रखूं क्या रे भेड़ बोल, हुकूमत नहीं मालूम रे तेरे? नहीं मालूम मेरे को। इस वास्ते एक काम कर, पहले तेरा सिस्टम अच्छा करना, और मेरे पास सिस्टम अच्छा करने के वास्ते एक ही गोली है। मेरे पास एक गोली है, टैबलेट। क्या टैबलेट है?
अरे तू ये टैबलेट खा, तेरा सिस्टम अच्छा हो जाएगा। तुम डॉक्टर है? डॉक्टर? हाँ। 200 डॉक्टर मरे तो एक हकीम पैदा होता। 200 डॉक्टर मरे तो एक हकीम पैदा होता? हाँ, मैं वो हकीम हूँ। मुँह खोल। नहीं खोलेगा। अरे तेरा सिस्टम अच्छा कर रहा हूँ रे, मुँह खोल। हाँ मुँह खोल। अब्बा कहीं घुमा रहे? अब टैबलेट अंदर गई, अब तेरा सिस्टम जबरदस्त हो जाएगा, तेरा सिस्टम अच्छा हो जाएगा। जा, तेरे को चार मीनार दिखेगा। क्या हुआ? सिस्टम खराब हो रहा? अच्छा हो गया ना सिस्टम? हाँ अच्छा हुआ ना। पेट में गड़बड़ हो रहा? गड़बड़ नहीं हो रहा, वो अच्छा हो रहा तेरे सिस्टम में। वो गड़बड़ हो रहा मेरे सिस्टम? खामोश। गड़बड़ हो रहा? नहीं हो रहा रे, सिस्टम अच्छा हो रहा। गड़बड़ हो रहा मेरे सिस्टम? दीवाना है तेरे को नहीं मालूम? बैठ। पेट में दर्द हो रहा सिस्टम? बैठ। हल्ला नहीं नहीं बैठता मेरे को, दर्द हो रहा। अरे बैठ। मेरे को दर्द हो रहा, मेरे को दर्द हो रहा, पेट में दर्द हो रहा, सिस्टम खराब हो गया। छोड़ दो वो सा टैबलेट, पेट में गड़बड़ हो रहा, छोड़ दो मेरे को। अरे बैठ। गड़बड़ हो रहा, मेरा एड्रेस भी भूल गया, छोड़ दो। मैं छोड़ दो मेरे को, पेट में दर्द हो रहा, छोड़ दो। अरे अरे पानी ले जा रही है, पूरा चार मीनार कमबख्त खराब कर देता। टेबल पे कपड़ा मारना नहीं मालूम? सही हो ना? चाय कहते चाय चला रहे हो? कपड़ा मार। क्या कपड़ा मार बोल रहा रे? पहले मेरा ग्राहक भाग गया, मैं पहले परेशान हूँ। चाय कहते चाय, पागल हो गया। माँ का जलील कमबख्त मारू, इन्हें गोलियां दे दे के लोगों की गोलियों के जैसा हो जा रहा। जाओ मैंने जा दिया। अर्शी बेटी जरा जल्दी जाके आओ, पापा अगर आ जाएंगे तो गुस्सा करेंगे। तुम जल्दी से जाके आओ, मैं तुम्हें एक चीज दूंगी। जाओ ना बेटे मेरी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम आपा। पहले मुंह मीठा तो कर लो। शुक्रिया आपा। लेकिन आप लोग शादी में नहीं आए, मैं आप लोगों से बहुत नाराज हूँ। आपको तो पता है ना आपा, हम शहर में नहीं थे। पहले आप अपनी छोटी बहन को भी मुबारकबाद तो दो। चलो मुबारकबाद देती हूँ, पहले खुशखबरी तो सुनाओ। बात यह है कि हमारी तबस्सुम की शादी तय हो गई है आपा। अरे वाह, ये तो डबल खुशी की बात है। लड़का कौन है? लड़का बहुत बड़े खानदान से है और बहुत बड़ी मांग भी है। अब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता ना आपा। तबस्सुम की शादी तय होगी, मैं बहुत खुश हूँ। आपको रिश्ता मुबारक हो। चलिए आपा अंदर चलिए। तबस्सुम कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। वो तो कॉलेज गई है आपा। अस्सलाम वालेकुम पाशा। वालेकुम सलाम। असलम, खैरियत से है? हाँ बिल्कुल खैरियत, सब खैरियत से है पाशा। छोटान। हाँ पाशा भाई। एक साफ चाय लाओ असलम भाई के वास्ते। अच्छी बात है पाशा भाई। आ, क्या से एक चाय बना रहे असलम? तुझे दावत देने आया मियां। मेरे को दावत? तबस्सुम की बात हो गई, मंगनी हो गई, रस्मा हो गई, सब हो गया। अब कैसी याद आई मेरी? अरे पाशा वो मंगनी करा था भाई मैं। हाँ असल दावत तो कल है, फॉर्मेज का रस्म कल दोपहर में रखो मैं। खाने की दोपहर में दावत है, भाभी को बच्चों को सबको लेके आओ। वक्त पे आ, कुछ काम धाम करना है तेरे को। बेफिक्र रहो असलम, मैं वक्त पे आऊंगा, पहले मैं रहूंगा वहाँ पर। जरूर आना पाशा, पूरा बंदोबस्त करना है, खाना है, बड़ी दावत है। अरे पाशा है ना, तुम बेफिक्र हो जाओ, सब अच्छा आऊंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है पाशा, मैं अब चलता हूँ, मुझे बहुत जगह दावत देना है। अल्लाह हाफिज़। इतना लंबा 6 फुट का आदमी तुम्हारे को दिख रहा नहीं? बैठो। मुझे नहीं आना। अरे क्या कर रहे हो, सब देख रहे हैं। से बुला रहा हूँ, सुनने नहीं आ रहा तुमसे? तुम्हारे गैर जरूरी के नाराज हो रहे हो तुम मेरे से। मैं आते ही आटे में उचक के बैठ जाना तुम। अरे होटल की चकरा मारता मियां हूं। चलो पाशा चाय मार लेके निकलेंगे, एक जबरदस्त वहाँ धार चाय हो जाए सुबह सुबह। आई आजम। अरे ये तो हकीम बैठा हुआ है साथ, शितर मुर्ख बना हुआ है इकबाल। अरे कैसा देख रहा अपने को? नहीं बसते रहे तुम लोग, क्या करेंगे साथ? मनोज बैठा हुआ है, इसको कैसा डील करना मेरे को अच्छी तरह मालूम। अरे इन गोलियां कहीं कुटा रहा उस्ताद, निकल गया क्या? अरे बच गए ना रे तुम लोग। हकीम साहब ये रहने दो गोलियां, हम लोग अभी 20-20 मैच खेल रहे हैं समझे? ठीक है खा लो रे, सेहत अच्छी रहती है, सिस्टम अच्छा रहता है रे दीवानों, खा लो।
टेस्ट मैच का दौर खत्म हो गया हकीम साहब, अब जो है 2020 का चल रहा, हमसे होशियारी ये ना हो। अरे बच गए हकीम साहब। अरे कब तक बचेंगे रे तुम लोग मेरे से, हाँ कब तक बचेंगी कैरी पत्तों की आड़ में, एक ना एक दिन आएगी हकीम की दाढ़ों में, याद रखो कब तक बचेंगे तुम लोग, देख ले तो सबसे बचेंगे तुम लोग, मगर ये नीम हकीम से नहीं बच सकते, याद रखो। जब देखते देख लो हकीम साहब रेडी है हम लोग, मगर दोबारा हमारे साथ की हरकत नहीं होना, अब तो समझ गए ना। वहाँ पे एक चाय रख रहे हैं छोटा। आजम भाई वास्सलाम, कैसा है छोटे, तनख्वाह लिया नहीं लिया? लिया, चल कहाँ है पाशा भाई खादिम? वास्सलाम। क्या है आजम, मौत को भूल गया क्या? खादिम वादिम बोल रहा, अच्छा हुआ तू आया, सो कहाँ रे पैसे? देता हूँ पाशा भाई, आज का वादा था ना, दे पैसे। दे देंगे पाशा भाई, गड़बड़ कहीं कर रहे हैं पाशा भाई, रात के 12 बजे तक टाइम है। हाँ ठीक 12 बजे पैसे आ जाते, आ जाते पैसे। पैसे लेते वक्त ऐसी बात करे तुम लोग, अब फिर आए थे मेरे को। पाशा भाई तुम्हारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है ना? पाशा भाई को सारा शहर जानता, पाशा भाई का दिल दरिया। और ऐसा बोल मिया पब्लिक हजरी। पाशा भाई ये झगड़े लफड़े नको, पैसे देना है ना आज शाम में तुम्हारे पैसे दे रहा हूँ मैं। आज रात में पैसे नहीं आए तो सुबह में घर पे आ रहा हूँ, आ जाओ देख लूंगा तुम। जाओ यहाँ से। रे हकीम, अरे हैदर दिखा तेरे को। अरे तेरे को मालूम ये टाइम दिखता हैदर? चक्करों पे चक्कर आ, चक्करों पे चक्कर आ, मार लेते फिर रहूंगा। कॉलेज को नहीं देख रहा रे? आ जाओ जल्दी, हैदर से मिलना है अपने को। पैसे देना रे? हिसाब बाबा को देके आता हूँ। जरा आते हो खत 1000 रुपए लेके आओ। बाप की जागीर है, क्या है रे? बाबा को हाथ पे ले रहा। अरे नहीं जी बाबा। चल बेटा डबल ड्यूटी करो तब जाके सुधरेंगे तुम लोग। कहाँ फंसा दिए रे, मेरे बातों से नहीं मानते। तबस्सुम अब छोड़ो भी। तबस्सुम मेरी बात सुनो तबस्सुम। मुझे कुछ नहीं सुनना, और वैसे भी तुमसे कुछ होने वाला नहीं, और कुछ ही दिनों में मेरी शादी हो जाएगी और मेरे बच्चे हो जाएंगे जो तुम्हें मामा मामा कह के पुकारेंगे। तबस्सुम वरना तो कुछ नहीं। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सॉरी की कोई बात नहीं है मेरी जान, अक्सर ऐसा होते रहता है। आइए ना, टकराइए ना। अरे आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ ना। मैं कहाँ नाराज हो रहा हूँ मेरी जान, मैं तो आपसे बार बार टकराना चाहता हूँ। आइए ना टकराइए ना, प्लीज 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 एक बार टकराइए ना, प्लीज 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 और एक बार टकराइए ना, प्लीज 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 एक बार आइए ना और धक्का मारिए ना। ये कौन मारा रे मेरे को? तू कौन रे? मैं तेरा अब्बू हैदर हैदराबादी, बस है या और एक गर्दन पछाड़ दो। भाई कौन है मालूम? बब्बर शेर का पट्टा हूँ, मेरे को मारता? अब जाता नहीं जाता, तेरे को और तेरे बब्बर शेर को चप्पल निकाल के मारता हूँ फटाफट, समझा? चल जाओ बुलाना, नहीं जाता ठीक है मैं खुद चले आता हूँ। चलो तब्बू। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बब्बर बोल। जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। क्या तो भी हुआ जी? कुछ भी नहीं जान, एक चीख की आवाज सुना। मर्दों के एक चीख की आवाज को डर के गिर गए? ऐसा रहे तो कैसा, अपना पलंग सलामत रहता क्या? कल से तुम्हारा बिस्तरा नीचे डालना पड़ेगा, समझे? कौन तो भी आ रहे हो, उजाड़ मुंह लेके चीखा सो? इधर बब्बर शेर की इज्जत बैगन में मिला दिया ना रे, तेरी माँ का पेट जलो। कौन तो भी आ रहे हो, उजाड़ मुंह लेके चीख रहा था? वही था उस्ताद। क्या तो भी हुआ रे, माटी मिले ये मुंह फोड़ ले को आया? सुबह सुबह निकले वैसे पाला पड़ गया उस्ताद, मेरे को खूब मारा उस्ताद, तुम्हारा नाम लेते पर भी मारा उस्ताद। और क्या बुरा था मालूम? बब्बर कौन उसका बाप, बैंगन कौन उसका बाप, बोल रहा था मेरे को बैंगन बोल रहा था उन्हें। कौन तो भी है रे वो लंगूर, इसकी माँ का पेट जलो। वो हैदर हैदराबादी कहते उस्ताद, झिरे पे रहता चांद मीनार पे बैठक है उसकी। ऐसा अब तो गया रे उन्हें बैंगन पकड़ के। अरे गब्बर भाई जा इनके साथ जाके देख तो सही क्या है किस्सा। अच्छी बात है भाई। अरे अब्बू शेर, अरे क्या तो भी है रे, घर को आए तो जरा हल्लू पुकारो, जान जा रही और घर में इज्जत जा रही, क्या तो भी है, दम निकालते क्या करते, समझे ना? जी उस्ताद, काम पहचान क्या तो उसका, चलो रे। हाँ
सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम क्या हो नाम यहाँ? चाचा हैदर हैदराबादी कहाँ चाचा, बहुत दिनों बैठे हुए उसको मिल रहा नहीं उन्हें, पूरा चप्पा चप्पा छान मार गया हम लोग, आपको मालूम है बोल क्या है। हैदर हैदराबादी? अरे यहाँ हकीम हैदराबादी बैठा हुआ हैदर हैदराबादी का, एक शर्त पे बताता हूँ। क्या शर्त है चाचा? तुम लोग मुँह खोलो, सौ सुनार की एक लोहार चबाओ चबाओ। छाप रहे ना, कैसा दिख रहा? मिठी लग रही। मिठा दिख रहा? हाँ। मिठे क्या रे तुम लोग? क्या जी चाह, बात सीधी करो आप। नहीं बेटे, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, आप कैसा दिख रहा? भाई इनको कहीं ना कहीं देखे सर का है भाई, इनो हकीम साहब है भाई। हकीम साहब है ना? ओ भाई मेरे पेट में कैसा की छोरा भाई, कैसा की दिख रहा भाई, कैसा की हो रहा भाई। अरे हो रे, मेरे भी पेट में कैसा की हो रहा, क्या गोली थी चाचा, कैसा की दिख रहा, कैसा की दिख रहा। अरे डरो नको मियां, इससे सिस्टम अच्छा हो जाता। सिस्टम पूरा टेढ़ा दिख रहा मेरे को, टेढ़ा कहां हुआ, अब तो अच्छा हुआ सिस्टम। पेट में थोड़ी देर यही रुक जाओ, चलो हैदर का पता पूछ रहे, कुछ असर हो रहा या नहीं हो रहा। अरे ठहर मियां, चलो भाई चलो, हैदर हैदराबादी मिलता रहे, यही आता हूँ। अरे ठहर रे, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ो, चल जल्दी चल, जल्दी भगा रहे भाई, बर्दे झोली मेरी अच्छा ये बात है। तबसुम बाजी ये लो, कब से बुला रही हूँ, सुनते नहीं। इधर आओ हैदर, जरा इधर आओ। जी खालूबा। हैदर आज घर पे बच्चे की रस्म की दावत है, तुम सब मिलके आओ और कुछ हाथ बटाओ, वहाँ कमाल की दुकान पे चावल खरीद के रखो, जरा जाके लेके आओ। जी। अरे खलील, मियां इधर आओ। भाई चाचा आओ इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। क्या अच्छे अखलाक हैं आपके, खुद हुशियार दिख रहे हैं आप। वो क्या है चाचा, एक जमाने से आपको देख रहा हूँ, कुछ ना कुछ हुशियारी तो सिखाऊंगा ना आपसे। एक चीज नहीं सीखी आप, क्या वो भी सिखा देते? उधर देखिए आप, कहीं को पतंग उड़ी क्या? ये ले। क्या हो रहा है रो, मेरी समझ में नहीं आ रहा, इंतजार एक दिन इंतकाल में आता है, हमेशा का उन लोगों का ही। अरे यारो कहीं भी तुमको बेचे नहीं रहती, इतने अच्छे अच्छे नजारे हैं, देखो ना ये लो आ गया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो आ गया हैदर। अरे क्या खलील, इतनी देर करता हमें तू है, क्या हुआ मैं सुस्त दिख रहा? हाँ तब तुम क्या पमस करा समय, बहुत देर से मायूस है भाई। अरे मायूसी की क्या बात है, मामला है ना सब जने, क्या लेंगे? चावल के थैले लाने जाना है, चल रहे या नहीं चल रहे? अरे क्या है रे भाई, इन्हें अपन लोगों से भी चावल के थैले उठाएगा? अरे मियाँ दोस्ती कर दो, दोस्ती निभाना पड़ता और दोस्त मुसीबत के वक्त ही काम आता। चलो जल्दी बैठ जा, देर ना करो इसके खातिर, ये भी कर लेंगे, क्या करते हैं, चल रहे भाई जल्दी बैठ, अरे स्टार्ट कर रहे, चल 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 बैठो जल्दी। हैदर बोले कोई नहीं चाहिए, भाई इन्हें मारा, भाई मेरे को यहाँ मारा, भाई यहाँ देखो भाई इन्हें मारा, यही कमीना मारा भाई। क्या रे तू छे हैदर हैदराबादी, ये मुंह और मसूर की दाल कल से ढूंढ रहा हूं रे तेरे को,
तेरी माँ का पेट जलो, बब्बर शेर के पट्टे को मारता रहे तू, अब मार के बता। मुटुर मुटुर क्या देख रहा रे? ए गब्बर जरा देख इसको, आज किस्से को खत्म ही कर देंगे। अरे रुक जाओ रे, पुलिस आ गई। तेरे किस्मत अच्छे है रे, जो तू बच गया। कब तक बसता रे देखेंगे, तेरी माँ का पेट जलो। चलो रे जल्दी चलो, निकलो यहाँ से, पुलिस के हाथ को नक्को लगो। बेटी ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं कही? अब बताने से क्या होगा, अब बिजली गिराने से क्या होगा? तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बू की कहीं इज्जत नहीं रहेगी, और तुम्हारी छोटी बहन का क्या होगा, ये तुमने सोचा है? हम कहीं के नहीं रहेंगे बेटी। मुझे घर की इज्जत का ख्याल है अम्मी, इसलिए मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। लेकिन मैं भी दिल के हाथों मजबूर हूँ अम्मी। रजिया क्या हुआ? आर्यन जी देख बेटी, तेरे जज्बातों को मैं समझ सकती हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं भी तो मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ बेटी। ठीक है अम्मी, मैं अब्बू को रुसवा होते नहीं देखना चाहती, और आप लोगों की खातिर ऐसी हजार मोहब्बतें मैं कुर्बान कर सकती हूँ, और मैं अपने घर की नाक भी कभी नहीं कटाऊंगी, चाहे मेरे गले पर लाखों छुरियां क्यों ना चलें। काश हर बेटी मेरे तबस्सुम के जैसी होती तो माँ बाप को कोई रुसवा ना करे बेटी। चल बेटी तैयार हो जा। ए लो बेटी तैयार हो जा। अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम, आइए सब आइए। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, आओ बच्चों चलो तुम भी अंदर। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग हाथ तो धो लीजिए, खाना लगाए थे आजम। रुकिए रुकिए रुकिए, पहले बच्ची को बतलाओ, सब जने देखे महेश ने देखी, कैसा फैसला करते? पहले बच्ची को बताइए, बाद में बात करेंगे। ये हमारी ताई अम्मा है, और मंगनी के रसम में शरीक नहीं थे, हमारे घर के सारे फैसले इनोइच करते। रजिया आओ, तबस्सुम को अंदर ले आओ। चलो आ जाओ भाई, बैठो उस तरफ। आइए भाभी वहां बिठाइए। उठाइए बेटे, जरा बाल तो बताइए। कहां बेटे, जरा हाथ बताओ। बेटे जरा पैर आगे करो। बच्ची तो मुझे पसंद आ गई। चलिए अब देर किस बात की, बिस्मिल्लाह, लड़की का मुंह मीठा कर ही दीजिए। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्रिया। भाभी जरा मिठाई का डब्बा तो दियो। लो बेटा मुंह मीठा कर लो। आओ बेटी, मोइन मियां बाकी की बातचीत कर लो। चलिए मोइन साहब, शादी की तारीख पक्की कर दो, लड़की का मुंह मीठा कर दो। खाना भी खा लेंगे, मुंह भी मीठा कर लेंगे, और शादी की तारीख भी तय कर लेंगे, मगर ये इजाफा फेरिस्त तो देख लीजिए। लाइए जनाब। दो लाख रुपए नग, 25 तोले सोना, 50 तोले चांदी, टीवी प्लाज्मा, गाड़ी पल्सर, एकोलम का पलंग,
मखमली बिस्तर, जरूर बर्तन और ये तमाम चीजें तो पहले से ही तय हो चुकी थी ना मोइन भाई, लेकिन मजीद आप फिर इसमें एक नया इजाफा कर दिए। आरसीसी का नया मकान तैयार कर दा, ये कहां से लाओ मोइन साहब, ये तो सरासर धोखा है पाशा। आप इसे धोखा मत कहिए, आप जो भी दे रहे हैं अपनी लड़की को दे रहे हैं, हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। और आपसे मैं कह चुका हूं कई बार, जो कुछ भी कर रहे हैं आप अपनी लड़की के लिए कर रहे हैं। ये बातें खत्म नहीं होती भाई साहब, ये बातें तो चलती रहती है। वाह साहब वाह, आप तो बहुत ही शरीफ निकले, बेटी मांग रही या रोटी मांग रही। रोटी मांगना है तो खुल के मांगो, पेट भर खिलाता हूँ मैं। मुंह संभाल कर बात करो पाशा भाई, हम आपके घर रिश्ता लेकर आए, क्या आपका यही तरीका है? अरे बदअखलाक, मुझे अखलाक सिखा रहा है, देख रहा नहीं उन्हें कैसा काट रहा शराफत से। अरे डरो मियां, अल्लाह से डरो, यहाँ तक आगे चौबंदाम करे हमारे को, जहाँ तक इस्लाम कह रहा है शादी को आसान करो ना कि मुश्किल। तुम्हारे पेट में भी बच्चे हैं, जरा सोचो मियां, ऊपर जाके क्या जवाब देंगे, अल्लाह से डरो। मियां आजम, ये बहादुर को चक तो करो, देखो बकरा कांदा है या नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि बकरे के बावा बकरा लेते हो चक करना पड़ता है। आशा भाई ज्यादा उड़ो मत, इज्जत दे रहा हूँ, इज्जत से रहो, समझे? थोड़ी देर रुक जाओ, इज्जत क्या होती है बता दो। हैदर छोड़ो मुझे, ले ले क्या हो तेरी उदासी का इलाज क्या करता कर, जरा इसको चेक तो करो रे। मम्मी कुछ भी है नहीं रे, गंदे बच्चे। ये हजर भी आइटम है उस्ताद। हां हां पापा नहीं, खाली अम्मी। जरा जानू ऐसा ही दिख रहा है ले तो, क्या करूं रे भाई इसका। लेके जाओ रे इसको, लेके जाओ। अच्छा चल रे, चल चल रे मुखरी, तू ही दिख रहा। चलो उठो, ये बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप सब लोगों को मैं देख लूंगा, आपको मैं कोर्ट में खींचूंगा। और ये तो सरासर धोखा है पाशा, पिलपिले की ये हालत क्या है मियां, कब तक लड़कियों के घोड़ जोड़े। क्या मुसीबत है भाई, ये फिर मिल गया, क्या करना वो है? सता रही है रोहिन। ऑटो रुको, चलो चलो नाम बलि छोड़ दो। तबस्सुम तबस्सुम, इन ऐसा नहीं सुनती, समझाना पड़ेगा इसको। अभी तक नहीं आई भाई, सवार का इम्तिहान बहुत खतरनाक तरीके से ले रही है, क्या तो भी करना है। ये लो, ठीक है ना? या अल्लाह, ये तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा, क्या करें? तबस्सुम तबस्सुम, तुम मेरे से बात क्यों करना नहीं चाह रहे? बात 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 करके फायदा भी क्या है हैदर, वैसे भी तुम्हें कौन सा फर्क पड़ता है? अब तो तुम्हारा रिश्ता टूट गया ना,
आप तो कुछ करते नहीं है और ऊपर से ऐसे दिखा रहे हैं जैसे आप जीत गए हैं। अब किसको ये बोल के क्या फायदा, मैं अल्लाह से दुआ मांगा और अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर लिया। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा भी तो कहते हैं। अब तुम मेरे यहाँ से दुआ करो, इंशाल्लाह मैं कुछ करके दिखाऊंगा। चलो अब वो भी देख लेते हैं। क्या लामिया, कैसी पागल पोटी से साबेखा पड़ा। ये तो अच्छा ही हुआ जो रिश्ता नहीं हुआ ऐसे लालची लोगों से तबस्सुम का। ऐसे ही मक्का लोगों की वजह से ही माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। कहाँ गया हमारा माशरा पाशा? उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो अपनी औलाद का सौदा करते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि उनके पेट में भी तो आखिर औलाद है। चलो अच्छा ही हुआ, जो भी हुआ हमारे अच्छे के लिए होता है। क्या अल्लाह के खजाने में जोड़ों की कमी है? बेशक बेशक। छोटान जी। पाशा भाई। क्या हुआ, इतनी देर हो गई, चाय क्यों ना लाया? ये चाय मैं असलम भाई के लिए लाया हूँ। ये लो असलम। क्योंकि आज की बात मैं नौकरी छोड़ना चाह रहा हूँ। नौकरी छोड़ना चाह रहा, आखिर क्यों? क्योंकि आमेरा पा दुबई से आ गए ना। अच्छा, दुबई से वापिस आ गए बोल के बदलाव आ गया तेरे में। वक्त से हालात बदलते हैं लेकिन मैं नहीं। एक दरखास्त तो सब बर्खास्त। चल तो पाशा भाई, खुदा हाफिज। देख रही बदलाव आ गया, बहन बाहर से आ गई बोल के नौकरी छोड़ के चले जा रहा। अच्छा असलम, तुम्हारा भांजा भी था ना यार। हाँ। उसको पढ़ाए लिखाए काबिल बनाए बाहर भेजाए, उससे तबस्सुम का रिश्ता तय कर देना था ना यार। नहीं पाशा नहीं, कौन भांजा कौन किसकी बहन, जब तक उसके पास पैसा नहीं था हम अपने थे। आज उनके पास पैसा आ गया वो लोग आसमान में उड़ाए। आसमान में उड़ाए? हाँ पाशा। उनका तो किराए का मकान था ना यार। किराए के मकान में कहाँ पाशा, अब तो वो 5 माले का कॉम्प्लेक्स बनाई है। और तो और हमारे घर की तरफ छूटे मुंह कभी फटक के देखती भी नहीं। एक अरसा दराज हुआ उसकी सूरत देखे हुए, अब तो हमारी बातचीत भी बंद है पाशा। जमाना ही ऐसा है पाशा। चलो उठो, इसको क्या बोल सकते। Con el
आंटी। कौन? आंटी। आमेरा तुम? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। सरप्राइज बेटा, कब आए आप? कल ही आई हूँ आंटी। आओ बैठो बेटा। आप लोग कैसे हैं? बस ठीक है बेटा, हम सब लोग। आप कैसे हैं? अच्छी हूँ आंटी। अच्छी तबस्सुम। जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आशी? मैं ठीक हूँ। और बेटा, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? कैसा है वहाँ का माहौल? हमारी सोच से बिल्कुल अलग। खैर, तुम्हारे बाहर जाने से तुम्हारे घर में बाहर ही बाहर आ गई है। खुदा करे तुम्हारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ बरकरार रहे बेटा। तबस्सुम। तबस्सुम बेटा। जी अम्मी, अभी आ रही हूँ। आंटी, ये आपके लिए। क्यों बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? सलाम वालेकुम मलिकाए आलिया, आपकी कनीज हाजिर है। तू कभी नहीं सुधरेगी। आमेरा कब आई? कल ही आई हूँ। कल ही आई? अच्छा ये बता, कैसी चल रही है वहाँ की जिंदगी? कितने दिन हो गए हैं, ना तो तेरी कोई चिट्ठी है और ना कोई खत। और वैसे भी लोग कहते हैं शादी के बाद सब बदल जाते हैं, कहीं वो बात तो नहीं है ना? ऐसा कभी मत समझना, मुझे तो हर पल बस तेरी ही याद आती थी। जी करता था कि एक ही पल में तेरे पास चली आऊं और तुझसे खूब बातें करूं। अगर मेरे पंख होते तो कब की चली आती। चल अम्मू, अब मुझे ये बता, वहां की तेरी नई जिंदगी कैसी है? जहन्नुम से भी बदतर। क्या? ये क्या कह रही है तू? इतना बड़ा जुल्म? ऐसी थी वहां की मेरी जिंदगी, मेरी और उसकी उम्र में जमीन आसमान का फर्क था। मेरे सारे सपने टूटकर बिखर गए, मेरे सारे अरमान चूर चूर हो गए। आमेरा, तू इतना बड़ा गम अपने सीने में लिए घुटी जा रही है, इतने गहरे दर्द का सामना तू कैसे कर पा रही है? करना पड़ा तप्पू, करना पड़ा, मजबूरी थी। मेरे घर का माहौल और लाचारी तू अच्छी तरह से जानती है। मैं गरीब घराने में पैदा हुई, क्या करें, मेरी किस्मत में यही लिखा था। होनी को कौन टाल सकता है? अच्छा ये बता, तेरे घर वालों को इस बारे में पता है? उन्हें तो सिर्फ रुपया पैसा सोना चांदी और कपड़ों से मतलब है, मेरी परवाह नहीं। एक मजे की बात बताऊं तप्पो, मैं जब से आई हूँ किसी ने मेरी खैरियत तक नहीं पूछी। इससे बड़ी बदनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है? आमेरा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुझसे पूछकर तेरे जख्मों को ताजा कर दिया। नहीं तप्पू, मैं तेरे सिवा और किसी अपने गम बयां कर सकती हूँ। और हाँ, तू शादी एक ऐसे शख्स से करना जो भले ही गरीब हो मगर प्यार और मोहब्बत की दौलत से माला माल हो। अच्छा तप्पू, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। वालेकुम सलाम। चाटे बराबर है घड़ी। क्या बात है, पिचकारी अभी तक नहीं आई? आओ पिचकारी, यहाँ बैठो, बहुत दिन के बाद आई हो। चाचा आप फिकर मत करो, मैंने आपके लिए ये दवाई लाई हूँ जिससे आप जल्दी ठीक हो जाओगे। तुम्हें देखते ही पिचकारी मेरी पूरी बीमारी दफा हो जाती है, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता मुझे क्या बीमारी है। कौन सी बीमारी चाचा? तू कितनी अच्छी है पिचकारी, तेरे में सिर्फ एक ही आदत खराब है। वो क्या है चाचा? तू चाचा चाचा जो बोलती है तो जी काटने को दौड़ता है। अच्छा चाचा, अब मैं चलती हूँ,
जल्दी ठीक हो जाओ चाचा, मेरे साथ डांस करना है आपको। बाय। पिचकारी ठहरो, मैं भी डांस करता हूँ। निकल गया क्या इन्हें? चुप। हाँ। रुको पिचकारी, मैं आ रहा हूँ। पिचकारी, रुको पिचकारी। भैया जमीन का बहुत घिज्जी चल रहा है भाई, ये बल्ला गुल्ला की जमीन। हाँ हो जाती ना, देखो भाई कैसा। मैं हमारे गौर साहब से भी बात कर लेती भाई। एक काम करो। बोलो भाई। छोटा आ गया, ये छोटे से डीलिंग फाइनल कर लो। जाओ। अच्छी बात है भाई। अब्बा क्या हरी मिर्ची है रे। कौन तो भी है रे इन्हें, इसकी माँ का पेट जलो। ये पिचकारी है भाई। पिचकारी? बहुत तेज है उस्ताद। ये बब्बर शेर से भी तेज है। कहाँ, जरा बुलाओ उसको। हेलो मैडम, जरा उस्ताद बुला रहे हैं। देखेंगे। आओ ना, इस गरीब खाने में आके बैठो ना। आइए तशरीफ रखिए। क्या नाम है तुम्हारा? पिचकारी। पिचकारी, तू पड़ गई मेरे दिल पे भारी। अजयम शरबत ले जाओ। भाई को तो जानते होंगे आप, भाई का नाम बब्बर शेर है। भाई को सऊदी, दुबई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पूरा पहचानते हैं भाई को। भाई के नाम से पूरा शहर कांपता। तुम्हारी माँ का पेट जलो। यहाँ भी मेरी इज्जत बैगन में मिला दिए नारे। चलो निकलो, जल्दी से निकल जा। अरे दिमाग खराब है उस्ताद से। आम छू, इमली छू, अम्मा काला रे बादाम छू। माशाल्लाह तुम हस्ती खुद बहुत अच्छी दिखती हो। मैं बचपन से ऐसी हूँ। ऐसा मरे तक भी वैसी रहते। अगर तुम साथ रहे तो। माँ का पेट जलो, क्या तो भी बेच रहे तुम्हें? जी मैं वो लेडीज के कपड़े बेचती हूँ। तुम कहीं को कपड़े कम पहने? कहा ना, मैं बचपन से ऐसी छू। ऐसा बचपन से ही ऐसी है तुम सच्ची? दिखाओ ना। क्या तो भी दिखाओ। क्या है, दिखाओ ना। ठीक है, इधर रखो जी, तुम इधर रखो ये कपड़े लाए। अरे कहां तो भी मर गए रे, रोती सूरत के माठी मिले। जी भाई, तुम लोग एक काम करो, अपने अपने साइज के कपड़े उठा लो। अरे लेडीज के कपड़े उस्ताद। लेडीज के कपड़े उस्ताद ये। अरे रात में पहनो तुम लोग, कोई भी नहीं देखता। इज्जत बैगन में नको मिला। जितना बोल रहा हूं उतना सुनो। एक काम करो, कपड़े उठाओ और लेके बेचने जाओ। क्या चलो, तकलीफ तो देखते निकल जाते हैं। पूरे बेच के आना, निकलो यहाँ से। काम के ना कांच के, दुश्मन अनाज के। वो हाँ। उसके पैसे। तुम्हें घबराओ नको, मैं हूँ ना। ये लो तुम्हारे पैसे लो। बस इतने ही? अभी कम है, अभी हो ना। अरे हाँ। तुम्हें ऐसा बोले तो मेरा दिल कैसा खींच होता। बस अच्छा तो मैं चलूं? तुम ऐसा आते रहो, तुम आते रहे तो ऐसा तुम बाजार में निकल को नक्को बेचो धूप में। वो बेचे तो तुम्हारा अंग जलता, तुम्हें काले दिखते ना। तुम एक काम करो, यहाँ से पुटो पहले। लगता है खाली बातों का। जल्दी जाओ जी, ये कबाब में हड्डी कहाँ से आया रे? ए, तीन चार बुढ़ापे में जवानी चढ़ी गई इनको भी अभी। आठ नौ परदेसिया, ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुमको दिल दे दिया। अस्सलाम वालेकुम असलम भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमत भी। आप क्या असलम भाई ऐसा अनजान मार के चले जा रहे हैं? हमारे से कुछ तो भी गलती हुई क्या? ऐसी बात नहीं है रहमत भी, मैं यहाँ से एक जरूरी काम से जा रहा था। अच्छा ये बताइए, आजकल आपका काम कैसा चल रहा है? अरे काम तो बिल्कुल मजे में असलम भाई। क्या हुआ, वो चिंदी चोर लाइसो रिश्ता टूट गया कहते ना? अरे हम लाइसो बाहर का रिश्ता कर लिए होते ना, पूरे खानदान की उंगलियां घी में और सर कड़ाई में रहता ना। सच्ची बोल रही हूँ। हाँ। अरे आप जो रहन रखे सो घर है नहीं, वो भी छूट जाता था, बाकी पुट्टियों की जिंदगी भी सुधर जाती थी मालूम। यार कि नजदीक के रिश्तेदार है ना बोल के रिश्ता लाई, नहीं तो मेरे को क्या करने का है बोलो। असल में आपकी किस्मत ही पुट्टे है, सच्ची बोल रही हूँ। देखो नहीं रे
क्या बोलना मिन्नू? सच कह रही हो रहमत भी, जिनके किस्मत खराब है वही लोग तुम्हारा शिकार बनी। याद रखो रहमत भी, इसके बाद दोबारा मेरे सामने इस किस्म के जलील और बेहुदे रिश्ते पेश करेंगे तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, खबरदार। चल जा भाई। अभी तुमको नहीं मालूम असलम भाई, मेरी नजर जिस पे पड़ी तो समझो पड़ी। किसकी क्या मजाल, तुम मेरे शिकार को खींच के लेके जाएगा? क्या बोलता रे जलील? अरे तुम कहीं को फिक्र कर रहे आपा, मेरा नाम है जलील, मैं सबको कर देता हूँ जलील, अभी मेरे को पहचाने का। बस कर अभी, चलो। जब देखो जब पूछा मेरे पर निकालते रहते। ये तो बहुत बुरा हुआ तबस्सुम, खुदा किसी को ऐसी मुसीबत में ना डाले। खैर जो हो गया सो हो गया, अब हम अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। कैसे कैसे लोग इस दुनिया में बसे हुए हैं, कोई पैसे के लिए जीता है तो कोई पैसे पैसे के लिए मरता है। हैदर, कहीं तुम्हारे दिमाग में भी तो जोड़े घोड़े की रकम का ख्याल नहीं? नहीं, हरगिज नहीं, तबस्सुम मैं उनमें से नहीं हूँ। खैर मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो औरतों से जहेज लेते हैं, मैं तुम्हें एक जोड़े से भी कबूल करने के लिए तैयार हूँ। सच? तुम्हारी कसम। बेटी जरा तो भी सोचो, हम लोगों की खुशी के लिए एक बार फिर से चली जाओ। मम्मी मम्मी देखो ये ड्रेस मुझे कैसा लग रहा है। मेरी बेटी तो हूर की परी लग रही है, जा जा। देख बेटी कितनी खुश नजर आ रही है ये, तेरे सारे भाई बहन बहुत खुश है, पूरे घर में खुशी का माहौल है। बेटा एक बार फिर से सोच ले, ऐसा मत कर, मेरी बात मान ले। माँ तुमने कभी भी मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, अब मैं किस तरह से समझाऊं? खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। देख बेटी अपनों की खुशी के लिए निछावर होने वाले इस दुनिया में सैकड़ों लोग हैं, इन सारी खुशियों पे पानी मत फेर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, बहुत बड़ी कुर्बानी है बेटा, नसीब से मिलती है। तुम सच कह रही हो माँ, ऐसा नसीब ऐसी कुर्बानी तो अल्लाह करे किसी दुश्मन को भी ना मिले। आई काई को परेशान हो रहे तुम लोग, अब मैं आ गई ना, सब ठीक कर देती हूँ। क्या रे? अरे रहमत भी आओ बैठो बैठो। आई मैं बैठने नहीं आई आपा, मैं तुम्हारी बेटी के कारनामे सुनाने आई हूँ। अरे ऐसे ऐसे कारनामे करके भाग के आगे वहाँ से, और रोशे कई के रोज मेरे को फोन करके रगड़ डाल रहा, भेजो भेजो अब जल्दी से भेजो उसको यहाँ से। मैं मर जाऊंगी लेकिन लेकिन अब नहीं जाऊंगी। हाय अल्लाह, नहीं जाऊंगी बोल तो शेख चुप बैठता है, न हमारे को छोड़ता ना तुम्हारे पूरे खानदान को छोड़ता, क्या तो भेरे जली लिए। अगला निशाना तू नहीं जाती ना, नहीं जाती ना आपा, मैं अच्छा आइडिया है बोल रही हूँ, नहीं नको बोलो, इसको भिजा देंगे अपन। अब कुछ भी नको सोचो, तुम्हारे पूरे खानदान को नहीं छोड़ता, नहीं तो शेख सच्ची बोल रही हूँ, इसको भिजा देंगे। ये तुम क्या कर रही हो माँ? अरे छोड़ो, खामोश बैठो, तुम नहीं जाना चाहती हो तो मत जाओ, ये मेरी बच्ची है, मेरी मर्जी है। मैं कह रही हूँ रुक जाओ। ए, मेरा नाम है जलील, मैं सबको कर देता हूँ जलील, कारोबार खराब कर रहे हैं, चलो जी आपा। हाँ, चलो चलो, चल रहे, बोमल मच्छी की देती है। माँ मेरी बात तो सुनो, या अल्लाह तू ही रास्ता बता। क्या है रे, देख के क्या है रे, हाँ क्या है रे, से बारा क्या है रे, हाँ अरे अरे कस के पकड़ ले, कस के ऐसा करते, यहाँ पकड़, हाँ ऐसा, ये शाबाश, हाँ ये, अरे अरे हकीम मेरा बेटा है रे, बाकी सब पट्ठे पट्ठे, हाँ चलने दो। पाशा भाई, सर पे हाथ रखो। वालेकुम सलाम आजम, क्या बात है, दिख रहा नहीं है? अच्छा ही सुना उस्ताद, क्या हुआ? ये अरे क्या है आजम, हालत देख, गर्दन टूट जाती है ऐसा मारे तो। अरे हकीम ले आ इसको मालिश कर, तेल लगाने नहीं आया पाशा भाई, तेल की मालिश नको, तुम्हारे से एक जबरदस्त काम है, अपना हैदर है नहीं, तुम्हारे से एक जरूरी बात करना है, कहते उसको मैं साथ में ले लेके आऊँ पाशा भाई, बुलाऊँ उसको।
हैदर तो मेरा खास पट्टा है। ऐसा ऐसा बुलाओ उसको। आजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो बेटा हैदर। जी शुक्रिया। क्या बात है हैदर, कुछ खास बात? बादशाह भाई वो क्या है मियां, खुला खुला बोलो, ये शाम में बटकी मत मारो, पाशा के बस में है तो हो जाएगा तुम्हारा काम। बादशाह भाई वो असलम भाई की बेटी तबस्सुम। तबस्सुम? पाशा भाई आपको तो मालूम है मेरे कोई बुरी आदत नहीं है। हाँ, पान सिगरेट शराब तंबाकू और मेरे को दूसरे लोगों के साथ जहेज भी नहीं चाहिए। तबस्सुम एक जोड़े में भी आ गई तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। वाह हैदर वाह, बहुत नेक ख्यालात है तुम्हारे। ऐ अल्लाह ताला हर नौजवान के दिलों में ऐसी नेक तौफीक अता फरमाए ताकि शादी आसान से आसान हो जाए और हर माँ बाप की तकलीफें दूर हो जाए। पाशा भाई क्या ये बात पक्की समझो? पक्की है समझो, जाओ मैं असलम से बात करता हूँ तुम्हारी शादी की। शुक्रिया पाशा भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ना पाशा भाई बच्चा ना तो उस्ताद चल अब सारा चांदी है तो क्या मारते रहते हैं। बजा भाई चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पाशा भाई। अरे क्या हुआ मियां छोटन? पाशा अरे कहीं क्यों रो रहा मियां? क्या हुआ रे, कहीं क्यों रो रहा तू बोल? चार मीनार में से गिर के खुदकुशी कर लिया जी। क्या चार मीनार? चलो मियां फौरन चलो। अरे चलो, चलो। मेरी ये मौत एक आम हादसा नहीं बल्कि मेरे दिल की आवाज है और हर वो माँ बाप के लिए सबक है जो अपनी खुदगर्जी के खातिर लड़की की रजा मंदी के बगैर बिना सोचे समझे अपने फैसलों को अंजाम देते हैं। NRI ग्रीन कार्ड सोना रुपयों के सामने किसी भी चीज को अहमियत नहीं देते। मैं इन हालात का शिकार बन चुकी हूँ। अब मेरी छोटी बहन को भी इस दलदल में फंसाने की साजिश चल रही है। इस साजिश को रोकने के लिए मैं अपनी जान की कुर्बानी दे रही हूँ। ये चिट्ठी इस बात का सबूत है कि इस मासूम पर बहुत जुल्म हुआ है। आप आओ। क्या रे? क्या तो भी हो रहा रे? आमिरा खुदकुशी कर ली करते हैं। इस तरह के हादसों को रोकने के लिए पुलिस भी क्या मदद कर सकता है जब तक आवाम ना सुधरे। ये हमारे ही घर का नहीं सर, बल्कि हर घर का मसला है। जहां NRI लेबल दिख गया, बिना इंक्वायरी बिना सोचे समझे अपने अपने रिश्ते तय कर लेते हैं। आवाम की बात तो छोड़ दीजिए सर, लेकिन पुलिस इस मामले में इन्वॉल्व क्यों नहीं होती सर, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। लेट मी एक्सप्लेन। कानून के हाथ मजबूत करने के लिए आप लोगों का भी साथ देना जरूरी है। ये बढ़ती हुई आबादी, अनएडुकेशन और बेरोजगारी इंसान को कहीं ना कहीं मजबूर कर देती है। आप सही फरमाए साहब, मजबूरी इंसान को कहीं ना कहीं कमजोर कर देती है। आपको पता है साहब हम लोगों को ऐसा कौन बनाता है? इसी माशरे ने। मैं पूछती हूँ इस माशरे से, मेरी तीन बच्चियों के साथ बिना दहेज और घोड़े जोड़े के शादी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इन हालात में माँ बाप करें भी तो क्या करें, अपनी बच्चियों को घर में बिठा कर रखेंगे क्या? देखिए दिल पे कलेजे पे पत्थर रखकर अपनी बच्चियों को कहीं ना कहीं तो विदा करना पड़ता है। अगर मैं कसूरवार हूँ तो ये सब कसूरवार हैं। मुझे जेल में डाल रहे हो, पहले इन सब को जेल में डालिए। क्या तो ये बोल रही है बुड्ढी? साहब मैंने जो बोला था वो बोल दिया, अब आप ही इंसाफ करो। अगर हर किसी के सोच में ऐसा तब्दीली आए तो आइंदा किसी के घर में ऐसे हादसे नहीं होंगे। आपका हर मुश्किल में साथ देने के लिए हम तैयार है। सात बात कुछ नहीं साहब, सब बाद में, जो भी किस्सा यही खत्म हो जाना। लीला क्या? इंस्पेक्टर साहब, शेख हो या NRI हो, आज की तारीख से यहाँ कोई भी नहीं दिखना चाहिए यहाँ पर। आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए, आज के बाद ऐसे हादसे और गलतियाँ नहीं होना चाहिए, वरना हैदर से बुरा कोई नहीं, ये हैदर का चैलेंज है। यार वो
जरा हटो ना, कौन तो गुजरा की मुसीबत के टाइम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमत भी, मैं शेख चिल्ली बात कर रहा हूँ। शेख चिल्ली? हाँ, बोलो बोलो शेख चिल्ली। मैं हैदराबाद एयरपोर्ट से। हाँ, हैदराबाद एयरपोर्ट से? ये माटी मिले को भी अभी चू जानने का था। हैदराबाद, तुम हैदराबाद एयरपोर्ट कहीं क्या उजड़े जी? क्या तुम भी बोल रहे हो रमत जी, तुम ये क्या बात कर रही हो? नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम हैदराबाद कहीं क्या है एक्चुअली? हमारा दोस्त अल सबा आपको सब बता दिए थे ना? यहाँ वैसे ही बहुत मुसीबत है। आप ही बताइए हम कहाँ जाएं? मैंने एक, अरे जा रे जलील जा। क्या हुआ पा? क्या होता, मुसीबत आके पड़ी हुई, उन्हें आके मरा करते हैं पे उजड़ा, क्या जरूरत थी? कौन? शेख चिल्ली रे। अल्लाह, उन्हें कहीं क्वाके उजड़ा जी अबू। क्या बोलेंगे उसको, क्या करूँ रे? एक काम करो। हाँ? उसको तुम बोल दिया ना, मैं आ रहा हूँ। बोल के नहीं, तू जाता ना। हेलो शेख, तुम वहां से कहीं भी नको निकलो, बहुत मुसीबत है, देखो टेंशन है, तुम वहीं पर रुकना, हमारा आदमी आता वहाँ पे, कहीं नहीं निकलना, एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलना, ठीक है? वही रुको, बाहर नहीं निकलना। क्या तुम्हें मुसीबत? अरे आपा, तुम्हें को मालूम ना मेरा नाम है जलील, मैं सबको कर देता हूँ जलील। चुप बैठ रहे, लाइका जलील कर देता कि क्या नहीं, कि अपन जलील वजह से दिख रहे हैं यहाँ पे। अरे अब तुम देखो ना, मैं मेरे हिसाब से नहीं लेके आया तो जब बोलना तुम। अच्छा संभाल के लाना, क्या तुम्हें करता कि क्या नहीं की। देखिए साहब, ये एरिया का इंस्पेक्टर होने के नाते आप लोगों को हेल्प करना मेरा फर्ज है। कोई भी अगर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है तो उसमें दखल अंदाजी करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपका तो प्रॉब्लम सिविल मैटर है, मेरा पर्सनल एडवाइस पूछे तो जब आप अपने घर के जवान बच्चे को किसी और के घर में दे रहे तो उनके बारे में इंक्वायरी करना जरूरी है। बच्चा और फैमिली बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं, ये सब जरा हम लोगों का मदद उस टाइम लिए तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओके सर, तो सबसे अहम बात पहले लड़की से पूछिए क्या वो इस रिश्ते से राजी है, फिर उसके बाद अगर डोरी का या जोड़े या घोड़े जोड़े की रकम का जो भी प्रॉब्लम आता है तो अगर आपकी इस्तेताद है, आपकी कैपेसिटी है, तो दे सकते हैं। डोरी इन एनी फॉर्म, कैस्ट एंड रिलीजन इज ए क्राइम, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। अगर ऐसी कोई बात हुई तो पहले ही इन्फॉर्म करने से हम एक्शन ले सकते हैं। आप जो भी मशवरा दिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक है सर, ठीक है सर, right. हम लोग चलते हैं। एक काम बोलना बस, चले जाता मैं, ये मरता। या अल्लाह, कई लोग पकड़े तो नहीं गए होंगे, क्या मुसीबत है रे बाबा, इन्हें तो मेरे को जलील कर ऐसा दिख रहा। अब अयो या अल्लाह, तोबा। आपा आ गया शेख चिल्ली। लालिया, अस्सलाम वालेकुम शेख। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आइए 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 शेख, जलील हल रे मत भी बिठा रे। माशाल्लाह माशाल्लाह, टिल्टा बैठिए, चलो तशरीफ रखिए। और एक रिल्टा बैठो, बैठो आपा, बैठ जाओ। शेख साहब, आपका सफर कैसा गुजरा? माशाल्लाह माशाल्लाह शेख पारस, अल्हम्दुलिल्लाह कोइस, अल्लाह का शुक्र है। आप इससे पहले गुस्से में बात कर रहे थे, क्यों? हाँ गुस्सा नहीं नहीं शेख साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है शेख साहब, वो जरा काम में थी बस, उतने कुछ नहीं। ये दो आपके बच्चे हैं? नहीं, ये हमारे शागिर्द है, आजूज माजूज, आजूज माजूज, ये हमारे हमराज है और रफीक है। अच्छा है शेख साहब, आपके लिए पूरा इंतजाम यहीं पेश कर देती हूँ, देखो मैं, आपको कुछ भी होना ना हमारे जलील को पूछ लेना। क्या रे बंदा हाजिर है शेख, हमें तो दोशीजा चाहिए, दोशीजा दोशीजा दोशीजा, क्या नमक है, क्या बनावट है, क्या नूर है, दोशीजा। अरे 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 तुम जाओ जी, कहीं उठा रहे हैं?
अरे शेख दोषीदा नहीं है, पाकीजा है, सबको साफ कर देती, मुंह में मट्ठी डाल लेती। अरे तुम समझो शेख, खाली गाना सुनो, खाली बस अरबी गाना है, याल्ला 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 गल गो याल्ला 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 गल गो याल्ला याल्ला शाल जका मलाहा मल जका। अरे फोटो 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 बंद करो शेख, देखो शेख फोटो देखो। अरे बेकार, अरे समझ भी नहीं आ रहा शेख, ठीक नहीं शेख। बेकार है शेख। ऊपर वाले ने क्या फुर्सत से बनाया है, माशाल्लाह क्या जमीला है, क्या चंद का टुकड़ा है, शुक्रन शुक्रन। आपका जोड़ी बराबर पक्का है शेख। कमसा असर इधर दे, कमसा असर उधर दे। आंखों की रोशनी बढ़ गई। एक तीन अरे ले काम होने के बाद और देंगे। शेख साहब आखिर वो खुशकिस्मत कौन है, जरा दिखाओ तो सही। अरे चल बता भाई, बढ़िया लड़की है हमारी, पक्की है। क्या करेंगे रे अब? अरे तुम डर रहे कहीं को, मैं हूँ ना, मेरा नाम है जलील, मैं सबको कर देता हूँ जलील। शेख साहब अब हम यूं गए यूं आए समझो ना, आप काम हो गया समझो। अब भी तुम यहां सब्र करो, हमारे भी आ चाहिए। दोशीजा नासिम, आखिर मियां तू करना क्या चाहता है? कुछ नहीं बॉस, मेरे को इंस्पेक्टर साहब जो बात बोले ना वो मेरे को समझ में आई। उन्होंने बोले कुछ अपना सोसाइटी बनाओ, जहेज के बारे में कुछ बात करो, वो बात सही है। इन्हें जो बोरा ना इसकी बात पूरी समझ गया, तुम लोग समझे कि नहीं कि हैदर जो कर रहा ना वो 100% करेक्ट है। अरे यार वो कॉम्पिटिशन जहेज का नहीं होता, लेन देन का नहीं होता, काबिलियत का होता, तालीम का होता। अरे पहले के जमाने में होता था, तुम लोग क्या बात करे रे भाई। हैदर जो भी बोल रहा सही बोल रहा, उसके मशवरे पे चलो तुम लोग। करेक्ट है, बस हैदर जो बोला वही होगा। अब समझ में आना तुम लोगों को, इसी बात में हम एक यूनिटी बनाए। चार पाँच छ सात आठ कितना सोचते भाभी आप। अरे आप बोलेंगे ना तो भाई जान तो ऐसे ही मान जाएंगे। देखो सच्ची बोल रही हूँ मैं। वो क्या है ना रहमत भी, बाहर का रिश्ता है, थोड़ा सोचना पड़ता ना। अरे भाभी हमारा बाहर का रिश्ता बोले तो कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है, सोने की खान है समझो, सोने की खान। अरे चिल्ली बोले तो मिर्ची जी, मिर्ची का बहुत बड़ा कारोबार है कहते उनका वहाँ पे, सच्ची बोल रही हूँ, बहुत बड़े आदमी है कहते उन्होंने वहाँ पे। हाँ दुबई में तो उनको सब लोग शेख चिल्ली के नाम से पहचानते कहते, इसलिए वहाँ पे सब लोग उनको शेख चिल्ली बुलाते कहते। और सच्ची बोल रही हूँ भाभी अपनी तबस्सुम तो ना बहुत खुशकिस्मत है, देखो इतनी खुशकिस्मत है इतने बच्चों को देखे कोई भी पसंद नहीं आई उनको, अपनी तबस्सुम एक ही पसंद आई, सच्ची नहीं रे? अरे क्या सोच रहे खाला, तुम फिक्र कर रहे, तुम खाली हाँ बोल दो उसके बाद अपन निकाह पक्का कर देंगे, तुम्हारे घर में उसके बाद खाली हीरों की बारिश होगी, बारिश खाली बारिश समझो खाला। हीरों की बारिश होगी या तुम्हारे सर पर जूतों की बारिश होगी? अरे क्या तुम बोल रहे असलम भाई, इन्हें तो बस मजाक कर रहा था। मैं सच कह रहा हूँ रहमत भी, मुझे तुम्हारी हमदर्दी और मुझे तुम्हारे इन नोटों की कोई जरूरत नहीं। याद रखो मैं तुमको इससे पहले भी मुतनब्बे कर चुका था कि मेरे घर में इस किस्म के गलीज और नीच रिश्ते मत लाना, मगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरी मासूम बच्ची आमिरा ने अपनी जान दे दी, और कितनी मासूम बच्चियों को तबाह करोगी रहमत भी। तुम गरीब माँ बाप की मासूमियत
और लाचारियों का कब तक फायदा उठाओगी? मैं तुमको कह देता हूँ, इसके बाद इस घर पे तो क्या, इस मोहल्ले की किसी भी गली में नजर आओगी तो मैं तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगा। सोच लो असलम भाई, तुम ये रहमत भी को धुतकार रहे। आज रहमत भी लाए तो रिश्ता ठुकरा रहे, ये रिश्ता ठुकराएंगे, इसके बाद तुम्हारे घर को अब से कोई रिश्ता नहीं आएगा। ये रहमत भी का चैलेंज है। हाँ। निकल जाओ मेरे घर से तुम दोनों, खबरदार आइंदा मुँह से एक लफ्ज भी निकाला था। मेरा नाम है जलील, मैं सबको कर दूंगा जलील, नहीं पहचाने तुम मेरे को? चलो बाहर निकल जाओ। चल रहे उठान उठान, दूर हो जाओ मेरी नजर से। चलो जी बस, चलो। सोच लो भाभी। रजिया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था इस नीच औरत को घर पे आने नहीं देना, और अब तुम दोबारा इसको घर में बुलाई और इजाजत दी घर में आने की। अब दोबारा ऐसी हरकत मत करना रजिया, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। इन्हों तो रहमत भी मुशाता है ना असलम के घर, यहाँ क्या कर रही है? चलो चलो पाशा भाई, चलो आप चलो। आरोम या हैदर ठहर। अस्सलाम वालेकुम असलम भाई। वालेकुम अस्सलाम चाचा। वालेकुम अस्सलाम पाशा। असलम मायूस बैठे हुए हो? नसीब यार नसीब। क्या वो मुताशा यहाँ आई थी क्या? मुशाता वही तो आकर हमारे घर का माहौल बर्बाद करके चले गई और धमकी दे के गई। ऐसा कि तबस्सुम की शादी नहीं होने देगी। ये धमकी सुनकर खामखा इनकी तबीयत खराब हो गई। पाशा भाई मैं तो बहुत डर रही हूँ, कहीं मेरी बच्ची का रिश्ता नहीं आया तो। पाशा भाई मैं इनसे कह रहा हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला नेक बंदों को कभी परेशान नहीं करता रजिया, और वो हमारी दुआ जरूर सुनेगा। आमीन। बेशक असलम भाई, अल्लाह ताला तुम्हारी बात सुन ली है। अच्छा, मेरी नजर में एक बहुत ही अच्छा शरीफ करोड़पति ना सही बाखलाक बाकिरदार लड़का है जिसको आप जानते हैं। बाकिरदार बाखलाक लड़का और हम उसको जानते हैं, आखिर वो है कौन पाशा? जी अपना हैदर। हैदर? हाँ। इतना सोचने की बात नहीं है असलम भाई, करोड़पति ना सही बाखलाक बाकिरदार लड़का है। करोड़पति रिश्ता कौन चाह रहा था पाशा? हमको बाखलाक बाकिरदार मेहनती, और वाकई में हैदर मेहनती किरदार वाला बच्चा है पाशा। तो ये रिश्ता पक्का समझो है? मुझे ये रिश्ता तो बहुत पसंद है पाशा भाई। वाह वाह भाभी वाह असलम भाई, रिश्ता पक्का? चलो मेरे तरफ से भी पक्का। हैदर हैदर, शादी की तारीख पक्की कर दो, रिश्ता पक्का होगा तुम्हारा। हैदर तुम्हारी शादी तय हो गई, बात पक्की। वही सूरत जिसकी जरूरत थी दिल को, बस वही सूरत जिसकी जरूरत थी दिल को, और मिल गई वो मुझको, और मिल गई वो मुझको। एक नई चाहत देख के राहत हो दिल को, एक नई चाहत देख के राहत हो दिल को, और मिल गई वो मुझको, और मिल गई वो मुझको। जुदा अंदाज जुदा, सबसे अलग हर बात जुदा, एक से बढ़कर एक अदा, जो देखे हो जाए फिदा। रंग जुदा अंदाज जुदा, सबसे अलग हर बात जुदा, एक
एक से बढ़कर एक अधा, जो देखे हो जाए फिदा। ऐसी कयामत जिससे मोहब्बत हो दिल को, ऐसी कयामत जिससे मोहब्बत हो दिल को। और मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई वो मुझको, और मिल गई मिल गई मिल गई वो मुझको। लगती है परियों जैसी, बातें हैं नगमों जैसी, हिरनी जैसी आंखें हैं, नाजुक है कलियों जैसी। लगती है परियों जैसी, बातें हैं नगमों जैसी, हिरनी जैसी आंखें हैं, नाजुक है कलियों जैसी। ऐसी नजाकत देख के हैरत हो दिल को, ऐसी नजाकत देख के हैरत हो दिल को। और मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई वो मुझको, और मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई वो मुझको, और मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई वो मुझको, और मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई वो मुझको। रुको रुको, क्या हुआ मियां, कहीं को रोका? तुम बोले थे ना शेख को यहाँ नहीं आना बोल के। क्या शेखा फिर आ गए यहाँ पर? अभी शेखों को छोड़ के आ रहा हूँ मैं। कहाँ पर छोड़ के आ रहा? लाला गेस्ट हाउस पर। ऐसा, ठीक है तू एक काम कर, तू जाके पाशा भाई को बोल मैं अभी पाशा भाई के नहीं पहुँच रहा हूँ, यूँ गया और यूँ आया। ठीक है, जल्दी चलो। शेख जी आपको और कुछ होना है क्या? हमको कुछ नहीं मांगता है, हमको आराम करना है, तुम जाओ, हमको आराम करना है। ठीक है। शेख साहब आप आराम करिए, हम भी थोड़ा आराम करके आते। जो मजूस, जो। ए, ए, पाकी जा, रुको, हम भी आ रहे। कौन की हमदर्द कर दे रहे? बुरी खबर बोल के फोन करा, शेख के ऊपर अटैक करने को इनकी गेस्ट हाउस को आ रहे बोल रहा। पांच महीने दिख शेख को फोन मिला। अच्छा बोला बाप। हेलो 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 शेख साहब, जरा संभाल के रहना, वहाँ पर जो है ना आपके ऊपर कोई तुम्हें हमला करने आ रहे बोल के अब भी मालूम हो, कहीं तुम्हें छुप जाओ। सब जगह छुप जाओ, देखो। हेलो हेलो हेलो, छुप जाओ, देखो देखो हम लोग कोई तुम्हें हमला कर। क्या करेंगे रे? अरे बब्बर के पास जाएंगे बाप। बब्बर को लेके सही बोल रहे, चलो। चल चल निकल, अब जल्दी निकल, क्या तो भी होता कि लगता है ये लोग हमको मारने आए हैं। चलो शेख के लिए अपनी जान बचाओ, चलो। कौन है? क्या ये कौन है? ये सब तुम्हारे लिए पाकी जा, बस। अरे वो वाटर पिन, ये छम्मो के साथ क्या कर रहा? ये रूम में भी कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ऊपर देखे भी नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है। उठाओ उठाओ, और बहुत वजन है यार, छोटा हेलीकॉप्टर के दौरे देखो। अरे देखो चलिए बढ़ लाऊंगे, चलो पाशा भाई चलो अभी चलो। अरे बैठ रहे छुप बैठ, अगर नहीं पकड़ा तो हवा में उड़ जाएंगे जिप बोल के, तब तक कौन पकड़ेंगे रे? छुप बैठ। ये सब क्या हो रहा? आओ जल्दी चलो, इसकी माँ का पेट चलो। अरे चलो जल्दी, ऐसी की तैसी इनकी
अरे अरे जलील, अरे क्या रही, यही छोड़ के गए थे ना रे इन लोगों को, देर हो गई क्या अपने को? अरे जा रहे थे अंदर। आपा यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, जलील को जलील। बबर भाई मेरे को गड़बड़ दिख रही, देखो यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा। अरे ऊपर भी हो सकते ना। अरे शेख है की आत्मा, इसकी माँ का पेट जलो, जा रहे ऊपर जा। जी भाई। या अल्लाह बबर भाई सच्ची बोल रही हूँ, देखो हम दोनों आँखों से देखे, देखो उनके पास बहुत पैसा है, बहुत माल है, नहीं अरे यहीं थे, करोड़ों का रुपया हमारे आँखों के सामने यहीं था। ना आपको कुछ मिलेगा ना मेरे को कुछ मिलेगा, सच्ची बोल रहा हूँ। ये मामला पुलिस के हाथों में नको जाने दो, अगर पुलिस के पास गया तो समझो मुँह कुआं सोने वाला छीन लेते हो जार सुरता। सच्ची बोल रहा हूँ, मस्के से बाल निकाले सर का निकाल दो भाई। तुम नको घबराओ आपा, मैं सब देख लो। तो क्या नहीं की ये बोना कौन है, इन्हें छह छह। अरे गया था एक रुपया ढूंढने के वास्ते, चौवन नहीं मिल गया, इस वास्ते ला लियो। बबर भाई ये हमेशा शेख के साथ में उजाड़ता है, गिरता बहुत है, छर्रा है छर्रा। कहाँ है रे शेख, कहाँ है? बोल बोल रहा है, बोलता क्या ना, बोल। बबर भाई इसको सब मालूम है, उसका और एक चमचा भी है, और एक भी है। तुम्हें घबरो नको आपा, मैं छर्रे को देख लेता हूँ। अरे ये दो दिन के पाने को उतारो रे नीचे। हाँ? अरे चल रहे दो दिन के पानी, तेर से तो सब चीजें खुलाता हूँ। कितनी तेजी इसकी? अरे कहीं को घुमा रहे भाई, कहीं को घुमा रहे। अरे मुझे जोड़ दो, अच्छा घुमा रहे, जोड़ दो। अरे अल्लाह मेरे पे जोड़ दो। बता दे शेख चिल्ली की तरह, मुझे नहीं मालूम। बादशाह भाई अपन यहाँ आए बोल के एक गिड्ढे को मालूम हो गया, इस वास्ते वो बड़े शेख को भगा दिया। अरे इसको लेके जाके घुपा देंगे आप। बादशाह भाई ने ऐसा नहीं सुनता, इसको उल्टा लटका के मारेंगे क्या रे? से बोरे छोटे रिचार्ज बोल दे। आशा भाई इसको तो मुसल पे बिठाएंगे। अरे मुसल क्या होता भाई, बैठने के बाद मालूम होता रे। अरे तोते जब तक तेरे को गरम छोटे दिए नहीं तू बोलता नहीं। अरे गरम छोटे क्या है भाई, दिए तो मालूम होता। फिराओ रे इसको, फिराओ। कई को घुमा रहे भाई, मेरे चक्कर आ रहे। सही बोल रहा है, अगर इन झूठ बोलता तो अपने हाथ को कई को लगता था। अरे उसका पासपोर्ट अपने पास है, सामान अपने पास है, उन्हें सात तबक जमीन में भी रहेगा तो हम बाहर निकाल लेंगे। चलो समझे, चलो चलो रे चलो। अरे छोड़ो यहाँ, क्या तो भी करूँ ये दो दिन के पाने का, कहीं से भी खुर्रा नहीं। क्या तो भी घुर रहे इसको, इसकी माँ का पेट जलो, ऐसा हाथ पे ले रहा इन्हें, कुछ तो भी बताता इन्हें। ये दो दिन का पाना, तीन चार का पाना रहने दो, पाँच छह का पाना रहने दो, अपने को क्या करना है, शेख का एड्रेस पूछना है ना। हाँ। बस खत्म, पूछना। अरे नहीं बता रहा तो देना, बता रहे बता, पूछो रे पूछो। बोल रहे बोल, किधर है बोल, बोलता क्या नहीं बोलता, बोल बोल। अरे बता रहे बता, बोल कहाँ पर है बोल, बोल फाइट मार के फंस गया। ठहरो ठहरो रे, फोन आया, ठहरो। साले तुम रहमत भी आपा। अरे ये छर्रा कुछ भी नहीं बता रहा ना। हाँ काला है, पीला है, लाल है, उदा है, कुछ भी नहीं बता रहा ना। कह रहा था बोले तो भी नहीं बोल रहा उन्हें। अरे तुम कुछ तो फोटो तो भी दिए तो मैं ढूंढ लेता था ना, फोटो जरा जल्द से जल्द भेजो। ये छर्रा कुछ भी नहीं बता रहा ना। ठीक है हाँ मैं कर को बताता हूँ, अच्छी बात। अरे चलो रे चलो, जरा घसो इसको, जरा जोर से घसो। क्या शेख चारमीनार के पास फिर रहा? सही बोल रहा तू? क्या पानी? अरे इधर आओ शेर, इधर आओ, बैठो शेर, बैठो बैठो, पानी होना शेर, पानी पानी, मगर एक शर्त पे पानी मिलेगा। कई के लिए बोलो? एक टैबलेट खाना पड़ेगा। ओ कौन सा टैबलेट बाबा? इससे पूरा सिस्टम ठीक हो जाता शेख। ठीक है। वो तो ठीक है मारो बाबा।
अंदर गई, गोली अंदर गई, अंदर गई शेख, बगैर पानी के चले जाती शेख, बेफिक्र रहो शेख, कैसा दिख रहा? ठीक दिख रहा। अब ठीक है ना? ठीक दिख रहा। अब कैसा दिख रहा शेख? गड़बड़े 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 मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, गड़बड़े 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 मुझे जाने दो, गड़बड़े 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 गड़बड़े। अरे कमबख्त, अरे शेख पानी लेके जा। बल्ला बल्ला, लगता है ये चमार कुत्ते की लगी है। चलो शेख चिल्ली बैठ कर खिलाओ। क्या दीवाना शेख है जी, बगैर पानी के जिंदगी गुजारता कते? समझ में नहीं आ रहा, आप लोग भी समझ सकते बगैर पानी के जिंदगी कैसा गुजरती? ये क्या नई मुसीबत में पड़ गया शेख चिल्ली, मैं कहाँ कहाँ भागूं? खैर तबस्सुम, आमेरा के ख्वाब को पूरा करने की हमारी कोशिश रंग ला रही है। तुम अल्लाह से दुआ करो कि हम इस मकसद में कामयाब हो जाए। तुम्हारे को कॉलेज जाना नहीं है क्या? कॉलेज? हाँ कॉलेज। ये सब चीजें छोड़ो, तुम पढ़ाई में ध्यान दो। पढ़ाई? लेकिन इस बीच अगर हमारी शादी हो गई तो? अरे पगली, मैं शादी के बाद भी तुम्हारे पढ़ाऊंगा। इल्म ही सबसे बड़ी दौलत है। क्या शेख पुराने शहर में फिर रहा? साइम हो रहा तू? अरे ये लोग तो मेरी तरफ ही आ रहे हैं। चलो शेख के लिए भागो। इधर ही जाना। अरे जाओ रे। कहाँ गायब हो गए ये लोग? अरे इधरा रे इधरा। कौन? मैं? अरे तेरे कुछ बुला रहा हूँ, इधरा बैठ। क्या तो भी है हकीम साहब? अरे बैठ मियाँ बैठ, क्या दीवाने बातें कर रहा? मेरे चांद के टुकड़े, खुदा की कसम क्या खूबसूरत है रे तू। अल्लाह, तुम्हें जैसा समझ रहे ना मेरे को, मैं वैसा नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मेरी गोली खाने के बाद तू निकल जाएगा। क्या तो भी कर रहे हैं तुम्हें? एक मिनट, तुम्हें गलत समझ रहे ना मेरे को, मैं किसको की ढूंढने आया? हाँ मुंह खोल। अरे खोल, ओ, खोल। ओ, 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 ओ। गई गोली अंदर गई गई। कब की चले गई? चले गई ना। कब की चले गई ना? आप कैसा दिख रहा हकीम साहब? मेरे कैसा की दिख रहा? कैसा की दिख रहा ना? एक नहीं दस दस शेख मिलते तेरे को, परेशान नको। आप कैसा दिख रहा तेरे को? मैं शेख मिलता बोल के आया ना, क्या तो भी खिला दिया मेरे को। अब शेख मिलता बेफिक्र रहे, कैसा दिख रहा तेरे को? छोरा हकीम साहब अंदर हो रहा। कैसा की छोरा हो रहा? तू परेशान नको। अरे अब छोड़ो हकीम साहब। अरे भाई अब पेट में गड़बड़ हो रही है हकीम साहब, कैसा की छोरा? अरे कुछ नहीं हो रहा भाई। अरे बैठ रे, अरे 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 छोड़ो हकीम साहब, अरे अरे मेरे को छोड़ो हकीम साहब। अरे मैं चपड़े के हकीम साहब। अरे बैठ रे, अरे बैठ रे, नहीं आ रहा। अरे क्या करूं इसकी माँ का कमबख्त, पानी भी नहीं लग गया। अरे पानी तो ले जा बेवकूफ। अरे दीवाना है, बगैर पानी के चला गया, वापिस कैसा आता? अस्सलाम वालेकुम रहमत भी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम शेख अलसबा। कैसी हो रहमत दी? बस दुआ है साहब, आप कैसे हैं शेख साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा है हमारा शेख चिल्ली? कहाँ है वो? नो, उधर उधर गेस्ट हाउस में है, गेस्ट हाउस में है। अरे कहाँ का गेस्ट हाउस? ना तो उसका कोई खबर है और ना तो उसका कोई फोन। अगर उसका फोन बंद क्यों है? उधर एकदम मजे में है उन्हों। आप इतने चेकों को भेजे हम अच्छा नहीं देख लिए क्या? आप घबराओ ना, मैं हूँ ना यहाँ पर। वो बात नहीं रहमत भी, हमारा शेख चिल्ली दुबई का सबसे बड़ा शेख है।
अगर उसको कुछ हो गया तो हम सब लोग बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएगा। जितना जल्दी हो सकता है उसको हमारे इधर भेज दो। अच्छा, पहले शेख चिल्ली से हमारा बात कराओ। मैं बात कराती हूँ, उनका वो फोन खराब हो गया होगा। ठीक है रहमत भी, हम तुमको एक दिन का मोहलत देता है। अगर शेख से बात नहीं कराया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। याल्ला, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहीं कहाँ थे? मैं हूँ ना यहाँ पे, आप भरोसा रखो मेरे ऊपर पूरा। याद रखो, अगर शेख से बात नहीं कराओगी तो बहुत पछताओगी। 25, 33, 34, 35, 36, अब क्या करेंगे रे? 39, 40, क्या नोट था गिनने में मरा हुआ है रे यहाँ पे? अरे तुम कहीं को फिक्र कर रहे हो आपा, कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। अगर नहीं मिला तो वो शेख कल सब आ जाता बोल रहा है यहाँ पे, उन्हें ही भेजता सब शेखों को। काम रखिए माठी मिला। अरे पकड़ो रे उसको, हाथ से नहीं निकलना। अरे बब्बर आगे बढ़, जल्दी पकड़ रहे उसको, निकल जा रहा है हाथ से। भागो रे। कहाँ तक भागेंगे यार? अरे कपड़े, चल शेख चिल्ली अपना हुलिया बदल। इन लोगों से बचने का एक बेहतरीन तरीका है, चल शेख चिल्ली बच के निकल। शेख, अरे पहचान, अरे पहचान, अरे मैं शेख नहीं हूँ रे। कौन है तू? मैं हकीम हूँ। हकीम? अरे भागो, 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 जल्दी भागो रे। हेलो हैदर। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, कितनी देर में आ रहे हो? आ रहा हूँ, ट्रैफिक में फंस गया, एक 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, यहाँ खिलवत के पास हूँ। ठीक है, मैं ऑटो से निकल जाती हूँ, बाद में तुम्हारी मर्जी। अरे मेरी अम्मा दरा समझो, अब ये काम करो, तुम सीधा घर को पहुँचो, मैं 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ऑटो मुगलपुरा पाशाबाई के होटल। होटल तो नहीं मालूम, लेकिन आप कुछ बढ़के देंगे तो ढूंढ के निकालेंगे हम। अरे देगा बाबा, देगा बाबा, वो ऑटो के पीछे। हेलो, इसका मैं तुम्हारा चांसा मुखड़ा देखने के लिए बेचैन हूँ, तुम्हारे को नहीं मालूम मैं कितना तड़प हूँ। बाबा तुम हमको ये बताओ कि पाशाबाई का होटल किधर है? सुबह से फोन भी नहीं मिला रे तेरे को, माइस मिला तेरी माँ का पेट जलो, जा बा कान के लिए खींच के दो, चल चलो पापा चलो। मैं आज बहुत मोड़ में, तुम्हारे से बातें करे तो मेरा दिल कैसे खुश होता, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। अगर इन्हें शेख है तो फिर मैं किसको ढूंढ रहा हूँ? माँ का पेट जलो, कहाँ है रे शेख? शेख नहीं मिला? हाँ मिलता, हम लोग पैदल भाग रहे थे, तुम गाड़ी पे थे। तुम खाली हमेशा पलाचों के पीछे चलो, तुम्हारे को दूसरा काम नहीं आता ना, खाली शेखों को पकड़ने के वास्ते पीछे भागते रहते, तुम खाली फोनों पे लगे हुए रहो। कहीं को गरम हो रहा? नहीं मिला तो नहीं मिला, कल देख लेंगे उसको, कल मिलता उन्हें। पैरा दुख रहे तेरे, बैठ पीछे बैठ, बैठ देख लेंगे उसको। बैठ रहे, आप चलो शेख को ढूंढेंगे। चलो रे, बता रही है, चलो फिर आओ। 20, 30, एक चाय लाओ बाबा।
अरे टेबल साफ कर। नहीं नहीं लेके साफ कर दे। हां हां देख रहे चाहिए देख। इसका देने का है। हां ले संभाल के। हां हेलो सब सी हेलो बाप समोसों के भाई भी देख के ए देख रहे उधर चाहिए देख उधर के। हां ये लो बाप इधर देखा। हां हो गए ना साहब बराबर। अरे शेख साहब क्या शेख साहब देख रहे शेख साहब मेरा हालत क्या हो गई शेख साहब। इन लोग होटल में काम करा रहे शेख साहब। शेख साहब इन लोग हैं ना बहुत खतरनाक लोग हैं शेख साहब। मैं क्या मियां जब देखो जब होटलों में बैठते काले जाले को जाते नहीं आते जाओ। सलाम अलैकुम पाशा भाई। वाले गर्मियां कैसे हो क्या हुआ शेख का मिला शेख ऐसा हाथ को घटरा भाग रहा पूरा हैदराबाद सिकंदरा छान मार लिया मिल रहा नहीं फिर वापस। कुछ भी प्लान करके यहां से निकालो शेख साहब। तुम बोल रहे कुछ भी नहीं है याकूत पुरा डबल पुरा के भी गलियां ढूंढ लेता हूँ। आशा भाई अगर मिल गया ना यकीन मानो आप नीचे डाल के खुंदल खुंदल के मारता हूँ। खुदा फिर सम चलता है। खुदा फिर ना को बोलो शेख साहब। अच्छा बोलो सब करो हम चलता है आएगा जरूर। खुदा फिर। अरे क्वार्टर बिन इधरा। अरे इधरा कौन है रे वो गया सो। अरे वो तो कस्टमर था। अरे बोल रहे थे सही बोल। अरे वो तो रेगुलर कस्टमर था। कहीं वो शेख चिल्ली तो नहीं था। अरे वो शेख ही था। हाँ अरे चलो बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे डरना है तो मरना सीखो जीना है तो पहले भागना सीखो वो शेख चिल्ली वाह वल्ला वल्ला। इन लोगों का तो हिसाब क्लियर है रे। इन्हें डेडी ये इसके है। इसके आगे ये भी इसके है। इसका क्या है ये कौन क्या रे किसी बार देखता ये उसके आगे। हाँ इन्हें इसके 3000 रुपए आपके बाकी रखी उन्हें। ये उजार सुनो तभी 3000 बाकी रखी। अगले महीने में देती हूँ बोल रही। भाई का अगला महीना करता रे और ये दो कब देंगे। ये कहाँ मिलेगा कुछ पता है शेख अल सबा। अरे शेख अल सबा अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। शेख अल सबा आप अचानक यहाँ आ गए कोई फोन नहीं कुछ नहीं। हाँ हम हर काम अचानक ही करता है और जो हमको धोखा देता है हम उसका हालत बहुत खराब करता है समझे। शेख ऐसा मत बोलो शेख। कहाँ है हमारा शेख किधर गया हमारा शेख कुछ गड़बड़ तो नहीं है। नहीं शेख गड़बड़ की क्या बात है। नहीं गड़बड़ कुछ भी नहीं। क्या रे गड़बड़ है। ऐसी कुछ भी गड़बड़ नहीं है शेख। क्या है ना शेख वो थोड़े लोग परेशान कर रहे थे इसलिए बोल के उन्होंने बाहर चले गए। अच्छा हम ना भी उनको ढूंढ रहे शेख। क्या शेख गुम हो गया। नहीं 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 शेख मुझे पहले ही शक था तुम लोगों के ऊपर। हाँ अब इस मुसीबत में तुमको भी कैद करेगा। नहीं 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 शेख ऐसा ना को बोलो। देखो हम भी ढूंढ रहे हैं उनको। हम ढूंढ लेंगे उनको। हमारे आदमी लगा के रखे हम। कौन ढूंढ रहा है वो बब्बर। बब्बर बब्बर वो अच्छा उसके बहुत सारे लोग हैं उन्हें ढूंढ के लेके आता है ऐसा तभी लाएगा ना। मैं उनसे बात कराती हूँ आपको। बरूबर करो जी जल्दी अभी। हेलो बबर भाई। हाँ रहमत पियापा मिल गए शेख मिल गए। कहाँ मिलता हूँ उन्हें। अरे उन्हें चार मीनार बोले तो अमीर पेट बोले तो शमशाबाद शमशाबाद बोले तो सिकंदराबाद यहाँ से वहाँ फिर रहा हूँ उन्हें। कैसा परेशान कर रहा मेरे बच्चे फिर फिर के पूरी हालत पतली कर दिया उन्हें। क्या करेंगे अब देखो उसकी हालत कैसी हो गई। तुम समझ रहे हो पापा। अच्छा 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 उन्होंने ढूंढ रहे कहते उन्होंने नहीं मिला। नहीं मिल जाता मगर आप परेशान न हो शेख मिल जाता। इसके बहुत सारे लोग आए ढूंढ के लाता कैसा तुम्हें। कभी मिलेगा इनो अभी हाँ। बाहर ढूंढ रहा ना हाँ। कल आ जाता ढूंढ के हाँ। कल सुबह बुलाते ना उसको। कल सुबह हाँ, हम इंतजार करेंगे हाँ। कल सुबह मिलेगा ना। आप जब तक आराम करो। अरे क्या बैठा हुआ है जा चलो आराम करेगा। हमको कल सुबह शेख चाहिए। हमको शेख मिलना चाहिए। क्या मुसीबत आके पड़ी जानते हैं। आराम करेगा तो हम चलते हैं। अरे अरे देख के चला रे पापा ये क्या कर दिया यार। अरे ये कौन पड़ा है।
खाइए। रजिया, मैं आपको एक बात बताना ही भूल गया, हमारे लिए एक बुरी खबर है भाई। बुरी खबर? हाँ, हमने तबस्सुम के दहेज के लिए जो रकम जमा की थी, हाँ, वो चिटफंड वाले चोर निकले रजिया, सब लूट कर भाग गए। बड़ी मुश्किल से जोड़ जोड़ के पैसे इकट्ठा किया था बेटी की शादी के लिए, अब क्या हो गई एक नई मुसीबत। खुदा पर भरोसा रखिए रजिया, खुदा ही कुछ ना कुछ बंदोबस्त करेगा। अल्लाह ताला मुसीबत में ही अपने बंदों को आजमाता है। कश्तियाँ सबके साहिल पे पहुँच जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। अल्लाह करे ऐसे ही हो। आमीन सुम्मा आमीन। जनाब लीजिए खाना लीजिए। वैसे भाई साहब आप इस इलाके में नए नजर आ रहे हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ऐसे ही भटका हुआ मुसाफिर हूँ बाबा। अच्छा ये तो बोलो, ये शेख का चक्कर क्या है? हर कोई इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है बाबा? बोलो बोलो बाबा। ये एक बहुत बड़ी लंबी गमगीन दास्तान है मियाँ, जब आप पूछ ही रहे हैं तो सुन लीजिए। आज के जमाने में लोग लड़कियों की शादी के लिए इतना जहेज मांग रहे हैं, लाखों रुपए मांगते हैं, हम गरीब माँ बाप कहाँ से दे सकेंगे मियाँ? और इन लाचार माँ बाप की परेशानियों का फायदा उठाते हुए कुछ मक्कार और लालची किस्म के लोग शेखों के दलाल बन गए। कई लोग अपनी मजबूरियों में एनआरआई रिश्ते कर लेते हैं, जिसके कई भयानक नतायज सामने आ गए और कई गलत व नाजायज रिश्तों का भी पता चला है। इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि आइंदा ऐसे रिश्तों से परहेज करेंगे और लड़कियों की रजामंदी के बिना कोई रिश्ता नहीं करेंगे। अब रहा सवाल इस गरीब की लड़की की शादी का, अल्लाह बहुत बड़ा मुसब्बिल असबाब है मियाँ, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही देगा, ये हमारा यकीन है। अल्लाह बड़ा कारसाज है और हम तो इसी पर शाकिर हैं। बस चलो अब खाना खा लो, चलो। या मेरे परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे गलत कदम उठाने से रोक लिया। हम सब को हिदायत दे मौला, ताकि हम सब अपनी सोच को बदल सके। इन गरीब वालिदैन पर रहम फरमा, करम फरमा, उनकी हर मुश्किल को आसान से आसान बना दे मौला। इंसानियत के नाते असलम साहब को कुछ न कुछ मदद करना पड़ेगा। असलम, परेशानी से हैबत करने की कोई जरूरत नहीं, जो होना है हो के रहेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारा हैदर लाखों में एक है। अच्छा, वो हमारी तबस्सुम को एक जोड़े में भी कबूल करेगा। अरे मियाँ पाशा, मुझे कुछ सोचने का वक्त तो दो यार। क्या है भाई, ये सोचने का वक्त नहीं है असलम, ये आगे बढ़ने का टाइम है, शादी की बात ठहराने का टाइम है, तारीख पक्की करने का टाइम है। ठीक है पाशा, अगर तुम इतना भरोसा दिला रहे हैं तो फिर शादी की तारीख भी तय करो ना। ये हुई ना बात, आज चांद की 20 तारीख है और शनिचर है, आने वाली जुम्मेरात को निकाह है और जुम्मे को वलीमा। इंशाल्लाह। मुबारक मुबारक पाशा भाई, बहुत बहुत मुबारक। हाँ क्या हुआ मियाँ? अरे पाशा भाई, आप हुकुम करो, हाजिर हो जाते। क्या मियाँ? अरे पाशा भाई, आपके चार नहीं पांच पट्टे हैं, आपको फिक्र की क्या जरूरत है? और ये आपके पट्टे की शादी है और पूरा इंतजाम आपको करना है। पाशा भाई, दूल्हे का, शेरे का, खाजी साहब का सारा इंतजाम करके मैं आता हूँ, आप टेंशन मत लो। ये हुई ना बात, वीडियो का, फोटोज का, अनवर वीडियो अपना खास पट्टा है, बोल दियो उसको, कार का भी कर लियो, कोई फिकर मत करो। कोई बात नहीं। अरे हमारे हैदर की शादी तो तारीखी शादी होगी पाशा भाई, धूम मचा देंगे, जाके आके देख लो, बाद में आके मिलते पाशा भाई। शुक्रिया पाशा, शुक्रिया। अस्सलाम सलाम, कैसे हो इकबाल, आजम सब मिलकर इधर किधर आ गए? अरे वो अपने हैदर की शादी बोल के आए थे। ऐसा, हैदर की शादी? हाँ, असलम भाई की बेटी तबस्सुम के साथ। ओहो, अजी खाजी साहब, जुमेरात को शादी और जुम्मे को वलीमा। वाह मंगल। खाजी साहब जरा आप टाइम पे आ जाइए। हम तो हमेशा टाइम पे आते बाबा, मगर आजकल दूल्हे टाइम पे नहीं आते। वो जिम्मेदारी हमारी चलो, है क्या भाई? उस दिन कौन जिम्मेदारी निभाता? चलते खाजी साहब, होटला बन हो जाएंगे, खाना खाने जाने का है। अरे ठहरिए भाई, सबर करिए, अल्लाह पाक खाना देने वाले हैं, रिजक पहुंचाने वाले हैं, बेशक समझिए आप, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। एक किस्सा सुनाता हूँ, सुनिए। एक लड़का रास्ते से भटक कर जंगल की तरफ निकल गया, भूख के मारे इधर उधर देखने लगता है।
तब उसे उसकी नानी की बात याद आती है। अल्लाह ताला रिस्क कहीं भी पहुंचा सकता है। ऐसा हो सकता क्या? अरे घोड़ों की आवाज, लगता है कोई आ रहे हैं। जल्दी करो, अरे भूख लग रही है यार। कौन चीखा रे? नहीं चीखे साहब, मैं कोई नहीं चीखे तो कौन चीखा? अरे वो देखो ऊपर कौन है? अरे देख लिया मुझे, अब क्या होगा? अरे उतारो उसको, उतारो। अम्मा कौन है तू? गरीब आदमी हूँ साहब। इधर क्या कर रहा था? रास्ता भटक गया साहब, आपको देख के ऊपर छुप गया था। कहाँ से आया तू? रायगढ़ से आया साहब, रायगढ़। दो ढाई घंटे से ऊपर ही था साहब। दो ढाई घंटे हो गए? हाँ साहब। इसमें कुछ जहर मिलाया होगा। मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। ये ले, खा रे, खा, खा रे। जहर होगा तो यही मरेगा। बेशक आप रिस्क खिलाने वाले हैं या अल्लाह, आपका लाख लाख शुक्र है। ऐसा हुआ मियां, अल्लाह पाक कहीं भी रिज़्क पहुंचाते, परेशानी की कोई बात नहीं, समझे ना? चलो। अच्छा खाजी साहब, इजाजत दीजिए। तुम्हें फिक्र न को करो, शाम तक कैसा भी दुल्ले तुम उसे। हमारा दोस्त शेख चिल्ली हमको हर हालत में चाहिए। मिल जाएगा? अच्छा। शाम तक जरूर मिल जाएगा। हम शाम को आएगा तुम्हारे पास। तुम फिक्र न को, शेख चाहिए। तुम इत्मीनान से बैठ के जाओ। अच्छा, मैं सारा काम देख लेता हूं। हमको शाम को चाहिए शेख, उसके बाप को भी ढूंढ लेता हूं। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अलसुबा मेरे दोस्त, अलसुबा। हेलो पिचकारी, अरे कहां तो भी है तुम पिचकारी। अरे अलसुबा भी आ गया। अच्छा मैं तुम्हारे को वो शेख की फोटो दिया था, वो शेख मिला? नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं। अरे उन्हें मिला तो समझो दोनों को पकड़ के अपन दोनों का माल हड़प लेंगे। अपन बहुत खुश हो जाते, पैसे वाले हो जाते मालूम। सच्ची? अच्छा एक बात बोलो पिचकारी, बहुत दिनों के बाद फोन करे तुम। अब करियो ना। याद ही नहीं कर रहे तुम कहीं को? मैं बिजी थी। ऐसा आज रात को मिलेंगे ना? ठीक है। ऐसा बोल के मेरा दिल बाग बाग करे। और एक चीज चमन चमन, चलो कल्लू कंपाउंड में मिलते। कल्लू कंपाउंड में आज रात को पहुँच रहा हूँ, चलो रे। आय हाय कल्लू कंपाउंड में बुले रे, आज सब कुछ चलना है रे, आज पार्टी करना है, अपने को जश्न करना है। चलो मैं भी सही वक्त पे पहुंचता हूँ।
मतलब के सब कामा प्यार है यही। जब देखो मिसकाला कैसे है ये चाला, मतलब के सब कामा प्यार है यही। फिर गई मेरी माँ की किरकिरी, फिर गई मेरी माँ की किरकिरी, वन टू थ्री माँ की किरकिरी, वन टू थ्री माँ की किरकिरी। अब्बू जरा इधर आइए तो। हाँ आ रहा हूँ बेगम, क्या हुआ? जरा देखिए वो क्या है। क्या है जी? आप वो देखिए तो सही क्या है। हाँ? या अल्लाह इतने सारे पैसे किसने रखे होंगे? अस्सलाम वालेकुम असलम साहब, आपको ताजुब होगा कि ये रकम कौन रखा होगा। मैं मानता हूँ कि आप जैसे शरीफ और वसूल पसंद लोगों की वजह से ही आज इंसानियत जिंदा है। दोस्त वही है कि खुशी और गम में साथ दे। आपसे ये गुजारिश है कि एक दोस्त की तरफ से एक छोटा सा तोहफा कबूल कीजिए। बहुत जल्द मुलाकात होगी। आपका हमदर्द। अल्लाह ने हमारी सुन ली रजिया, अब हमारे दुखों के दिन दूर हो गए। अब हम अपनी बच्ची की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। चलो अंदर। एक काम करेंगे हम लोग। क्या? एक आइडिया बोलता हूँ। हाँ। अगर पाशा भाई को किडनैप करे ना, सारा मामला हल हो जाता। बब्बर, पाशा भाई को किडनैप करेगा कुछ नहीं मिलेगा। हैदर हैदराबादी को गिरफ्तार करो, सब कुछ मालूम हो जाएगा। हैदर हैदराबादी? हाँ। सही आइडिया दिया तुम शेख, बिल्कुल। भाई भाई, हैदर हुमेरा होटल की गली में अकेला है। अकेला है उन्हें? ओ भाई, एक काम करो, तुम लोग जाके पूरी तैयारी करो, मैं अकेला लड़ लेता हूँ। कौवे को उठा के ला लेंगे। ठीक है भाई। अल सबा देखो कौवे को कैसा घसता हूं। बहुत अच्छा। उजाला करे तक तो नहीं छोड़ता हूं उसको, देख लो। बहुत अच्छा। हेलो, तू छे ना रे हैदर हैदराबादी? ओ तेरी माँ का पेट जलो, अकेले लड़ने के बारे में बोल रहा था ना रे। हैदर हैदराबादी हमेशा अकेला ही लड़ता। तू भी अकेला, मैं भी अकेला, चल लड़ लेंगे। ऐसा देखता। चल। अरे वो गेंडे, अभी तेरा मैं तबला बजाता हूँ। अरे दैलान के मुंह के तू कुछ भी नहीं कर सकता रे। अरे वो उगालदान, अगर मैं पान खा के रहता तो उगालदान में थूकता था। चल देख लेंगे। Oh,
मैंने से नहीं सुनता, अब इसकी टांग पकड़ के गिराना इसको। अरे खैर चुलकों से ठहर। अरे तेरे को तो देख ले तो ना डंगरू, छोड़ तो नहीं तेरे को। अरे तेरी गाड़ी लेके जा। अरे वो तो मेरे पट्टे आगे ले आते रे, नहीं छोड़ूंगा ना तेरे को। अरे क्या रे भाई, आधा घंटा हो गया बबर भाई जाके, अभी तक नहीं आए। अरे फुल दे रहे होंगे साथ। अरे ये तो बबर भाई की आवाज है। अरे बबर भाई की आवाज आ रही है। तो भी सही रहे क्या बबर भाई, फुल धो के आज जैसा दिख रहा आज। हाँ तू नको पूछ, मैं क्या क्या कर को आया। बच्चा चले गया उस्मानिया। उन्हें उस्मानिया को जान दे, गांधी को भी तो जान दे रे, नहीं बसता क्या रे। अबा ऐसी क्या तनख्वाह दे क्या है भाई, एक खुशी है भाई, हम आपके पट्टे है बोल के। अरे तुम लोग चले गए जाल पे नको चढ़ो रे, आ पहले अपने अपने काम पे लग जाओ, जरा मालिश करो रे। अल्लाह अरे 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 ये क्या कर रहे यार, अरे मेरी इज्जत भी निकाल लेते, तुम्हारी माँ का पेट जलो। अरे छोड़ो थोड़ी मालिश अल्लू करो रे, अल्लू करो। अरे जरा तू भी तालू पे मालिश कर रहे, बहुत दर्द हो रहा रे। अरे क्या हो गया वैसा तुम्हें। अम्मा अल्लाह अरे क्या तो भी कर रहा रे, काई को तो भी कस रहा। मालिश करो बोले ना भाई। अरे निकाल देता क्या रे भाई एक दिन में, जरा हल्लू हल्लू कर रहे, तालू पे तेल डाले जैसा कर रहे। ठीक है भाई। अरे उठाओ यार, फुल मार खा के आए जैसा दिख रहा। देख अरे हल्लू रे, मर जाता हूँ हल्लू हल्लू। तू काम पर रहो रे। ऐसा कहीं को तो भी खून जला ले रहे हैं शेख। देखो शेख चिल्लू कैसा तो भी ढूंढ के लेके आते हैं, आते हैं उन्हों कैसा तो भी। सच्ची बोल रही हूँ, देखो आप ऐसा परेशान हो रहे, हमको भी परेशान कर रहे हैं देखो। अरे हमको इधर आए हुए चार दिन हो गया, हमारे शेख चिल्ली का क्या होगा, तुम्हें कुछ एहसास है इस बात का। नहीं नहीं एहसास कैसा नहीं रहता। एक काम करती हूँ, ऐसी प्लानिंग करूंगी जबरदस्त प्लानिंग। छोड़ो सब खत्म करो, अब ऐसी खबर लेके आया हूँ, खाली सुनते सबने बेभरे हो जाना। क्या रे? हैदर से तबस्सुम की ये जुमेरात को शादी है कहते। हाय अल्लाह, कैसे होगा रे? क्या करेंगे क्या करेंगे बोले तो नहीं होता। तो तुम्हारे कौन से की भाई थे ना? हाँ बब्बर शेर। चुप रहे। कौन से जंगल से भाग के आया था कि क्या नहीं की, किधर की मौत आई तो कहते शहर की तरफ भागता, ये तुम्हारा शेर कौन से गलियां फटक रहा की। अब कुछ तो भी करना पड़ेगा। क्या कुछ भी करेंगे, चलो शेख हम लाते कैसा भी ठहरो तुम। क्या आप परेशान हो ना, शेख चिल्ली को लेके जाते हम लोग, कुछ तो भी करके आते। चल 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 वो शेख। बहुत बहुत मुबारक हो हैदर मियां, ऑल द बेस्ट, हैप्पी मैरिड लाइफ। सर सिर्फ इस तरह मुबारकबाद देने से काम नहीं चलेगा, आपकी मौजूदगी हमारे लिए खास है। वो बब्बर और उसके पट्टों से मुझे हमेशा डर है सर, कहीं ऐन शादी के वक्त में आके गड़बड़ ना करे। अरे आप बेफिक्र रहिए, कोई बब्बर आपका कुछ नहीं कर सकता। हमको इसी बात का डर है साहब, आपकी मौजूदगी हमारे लिए बेहद जरूरी है। नहीं नहीं जरूर मोइन सर, जरा इनका ख्याल रखो। ओके सर। शुक्रिया साहब, आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है सर, इंतजार रहेगा सर। मुबारक हो। थैंक यू सर। मोइन ये बब्बर का क्या हुआ? सर बब्बर के बारे में पता चलते ही लाके आपके सामने मैं पेश कर दूंगा। गो अहेड। कुछ भी हो जाए उस लड़की का शादी नहीं होना चाहिए। अरे उस लड़की को हमारा दोस्त शेख चिल्ली ने पसंद किया है, इतना पैसा होगा हम खर्चा करेगा। रहमत भी तुम सुन रहा है हम क्या बोल रहा है। शेख साहब मैं क्या करूं, शेख साहब जितना हो सकता सब करी हूं, देखो मैं पैसा खर्चा करी हूं, इनको इनको लगाए देखो ये काम के लिए क्या करे ना, कुछ भी नहीं करे। अरे सारे जिम्मेदारी का टोकरा मेरे सर पे कहीं को आप क्या करेंगे, बाला नहीं है ना, बालों का टोकरा नहीं है इसलिए ये टोकरा डालो। इसकी माँ का पेट चलो, ये सर्कल आया, ये पाशा भाई, सारे लोगों की जिम्मेदारी मैं उठाया ना आपा।
अब मैं क्या क्या करूं बोलो आपा तुम्हें। एक आइडिया बोलता हूं, अगर तुम लोग करते बोले तो मैं बताता हूं। हाँ, अब तक बोले से पूरे आइडिया काम में आए, ये काम में आता अभी। बोलो, बोल के उजड़ो गोभी। एक काम करेंगे हम, या तो तबस्सुम को किडनैप करेंगे या नहीं तो फिर हैदर को अरेस्ट करेंगे, क्या बोलते तुम लोग? क्या रे जलील? अरे क्या पा, मेरा नाम था जलील और मैं पूरे को हो गया जलील। बब्बर भाई, आप जो कर रहे वो बिल्कुल ठीक कर रहे, वैसे करो आप। अब देखो मैं कैसा नचाता हूँ उनको। बहुत खुशी हुई साहब, थैंक यू साहब। आइए, हम लोग की इज्जत बढ़ गई साहब, उम्मीदें थी आप बढ़िया यार। हाँ हाँ, बस बस यहीं पे तशरीफ साहब बैठिए। आप लोग भी बैठिए ना, जरा मैं अंदर देख लेगा तो तुम देखो। अभी आ रहा हूँ साहब, 5 मिनट। अरे देखिए, अरे जरा संभल के ला रहे भाई। अरे देखिए देखिए, नीचे उतारो उतारो उतार। हाँ चलो आओ भैया आओ। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपको वहाँ निकाह कबूल है और यहाँ आपका अरेस्ट वारंट रेडी है। शेख चिल्ली को किडनैप करने के जुर्म में हैदर हैदराबादी, मैं आपको अरेस्ट करता हूँ। ये सरासर झूठ है सर, ये बेबुनियाद इल्जाम है, ये सब इन लोगों की मनगढ़ंत है सर। मैं अच्छी तरह से हैदर को जानता हूँ, बेइंतहा नेक और शरीफ लड़का है। आपको जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में आकर कहिए। कांस्टेबल अरेस्ट हिम। ठहरो ठहरो। अरे शेख रे, हैदर को अरेस्ट करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, मैं ही शेख चिल्ली हूँ। शेख चिल्ली, तुम? मुझे कोई किडनैप नहीं किया, दरअसल मैं खुद अपनी मर्जी से भाग गया था। एक मानो में मेरे लिए अच्छा ही हुआ, मैं भी कुछ लोगों के बहकावे में आ गया था और शादी करने के इरादे से यहाँ पहुँचा। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसी मजबूरी, ऐसी लाचारी, ऐसी गरीबी देखकर मेरे रोंटे खड़े हो गए। अफसोस इस बात का है कि ऐसी हालत हम लोग खुद बना लिए हैं, जो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। आप लोग को पता है हमारे अरबों में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ लड़की को रकम देकर शादी करता है, बल्कि लेकर नहीं। खैर, जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, इसका जिसका नुकसान कोई नहीं भर सकता।
यहाँ मौजूद तमाम मेहमानों से ये मेरी गुजारिश है कि शादी को आसान से आसान करो, ना के मुश्किल। चलिए हम सब मिलकर माशरे में सुधार लाने की कोशिश करेंगे। मेरे तरफ से मेरी तमाम जायदाद इन गरीब लड़कियों को इमदाद दे रहा हूँ। उम्मीद है कि इस नेक काम में आप लोग मेरा साथ देंगे। आइए इस नेक काम में हम सब लोग शामिल हो जाएंगे। सीए साहब, आप हमारी मदद करेंगे? आपका बहुत ही अच्छा इरादा है, इसके लिए आप एक ट्रस्ट फॉर्म कीजिए, उसके जरिए बहुत लोगों को हेल्प कर सकते हैं। आइए प्लीज कम। थैंक यू सर। मोइन सर, अरेस्ट उनको नहीं, इन लोगों को गिरफ्तार करो। वेरी वेल सर। अयो क्या तुम्हें बोल रहे साहब, अरे क्या रही है? अरे आपा, मेरा नाम है जलील। अरे चुप रहे, क्या पकड़ा बबो का जलील अभी। चलो बैक, चलो। अरे ठहरो साहब, हम लोग यहाँ कुछ तो भी जुगाड़ कर लेंगे साहब। मैं रुपए भर भर को देता हूँ, तुम्हें फिक्र नको करो, उसके बातों में नको जाओ साहब। जुगाड़ करेंगे, मेरे को रिश्वत देना चाह रहा तू? अम्मी जी, चलो बैक, चलो जाते हैं, हैदर भाई, इस वलीमे का पूरा खर्चा हमारा है, हमारी तरफ से तोहफा कबूल करो। डन। शुक्रिया या शेख चिल्ली।